से बरसाने की राह हरि घड़ी यशोमत दुलारा हरि घड़ी यशोमत दुलारा तेरे बरसाने श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय सतगुरुदेव भगवान की जय I'm gonna go.
जो ये आरती का जल भरते हैं उनसे निवेदन है, जो भक्तों के ऊपर डालते हैं भक्तों के ऊपर ही डाल के कृपा करें, हमारे इंस्ट्रूमेंट पर ज्यादा कृपा ना करें, बस हमको हमारे इंस्ट्रूमेंट को छोड़ दिया करें। जल उधर भी डाल रहे हैं, माला बना क्यों ना बनाओ
श्री गुरुदेव की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानेन्द्रं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने शिष्यमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामिते नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद शिष्यमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए उपस्थित वृंदावन से आए समस्त भक्त एवं बड़ौत के सभी भक्त वृंद के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। आज हमारा श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है और आनंद की कोई सीमा नहीं। हर प्रकार का आनंद इस श्रीमद् भागवत कथा स्थल में आ रहा है। बाहर कितना ही क्लेश या कलमश में क्यों ना हो, हम जैसे ही पंडाल की तरफ आते हैं सारा कलमश धुल जाता है, समस्त प्रकार का क्लेश दूर हो जाता है और यहाँ आकर के चित्त शांत हो जाता है। श्री गुरुदेव की कल महाराज भी बता रहे थे चातुर्मास व्रत रखने से श्री नारद जी का भी उद्धार हुआ। पूर्व जन्म में वो दासी पुत्र थे और इतने उच्च कोटि के संत बने कि भगवान के मान से पुत्र कहलाए, मन से प्रकट पुत्र कहलाए। तो भगवान अपने आप को भक्त के हाथों बेच देते हैं, इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। जिस प्रकार से गैया बछड़े को करती है, वत्स कहते हैं, ऐसे ही भक्त वत्स कहलाते हैं भगवान के लिए। तो ये जो महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे राम राम हरे हरे। ये जो महामंत्र है ये कलि संस्करणों उपनिषद में पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इति षोडशकम् नाम नाम कली कलमश नाशनम, अर्थात ये 16 शब्दों का जो मंत्र है ये कलयुग में कलयुग के समस्त कलमशों का नाश करने में सक्षम है और हर प्रकार से ये हमें भगवत प्रेम प्रदान करने में सक्षम है। ना तो परोतरयो दृश्यते सर्वयेषु दृश्यते, अर्थात ना तो परोतरोपाय सर्वयेषु दृश्यते, अर्थात प्रमाण किया जाता है कि समस्त प्रकार के वेद शास्त्र इत्यादि को देख लिया गया है कि इससे परे कुछ नहीं, इस महामंत्र से बढ़कर कलयुग में कुछ नहीं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ये महामंत्र का संकीर्तन जप और यदि हम शौचालय भी जाते हैं माला ना भी हो हाथ में उस समय हमें जीवा को हमेशा इस महामंत्र में लगा के रखना चाहिए। मन ही मन कहते रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का महान मंत्र है, ये वेद उपनिषद और समस्त शास्त्र देख लिए गए हैं, उनमें से प्रमाण लेकर के ये कलि संतरणों उपनिषद में स्पष्ट रूप से लिखा गया और भगवान का ये जो हरिनाम है भगवान से अभिन्न है और भगवान से कहीं
संतों के मुखारविंद से सुना है, ये नाम प्रभु इस कलयुग में अवतार रूप में है और भगवान से भी ज्यादा कृपालु है। भगवान श्री कृष्ण नामी हुए और ये कृष्ण नाम हुआ, महामंत्र नाम हुआ। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो नामी है उनसे भी ज्यादा कृपालु दयालु है, क्योंकि ये भगवान के पूर्ण रूपेण जो उनका स्वरूप है वो हृदय में प्रकाशित कर देता है और उनकी समस्त लीलाओं को प्रकाशित कर देता है, उनके धाम को प्रकाशित कर देता है। इस नाम में पूर्ण प्रकार की शक्ति भगवान ने अपनी निज शक्ति को इसके अंदर विद्यमान कर दिया, डाल दिया। तो कभी भी हमें इसे साधारण नाम नहीं जानना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक नाम नहीं है। भगवान अप्राकृतिक है तो उनका नाम भी अप्राकृतिक है। इस प्रकृति के समस्त शक्तियां इसको छू नहीं सकती, उनसे परे है। जिस प्रकार से भगवान को परब्रह्म बोला जाता है, ऐसे ही ये नाम भी इस प्रकृति से परे है। तो ये दिव्य नाम है, इस दिव्य नाम पर पूर्ण विश्वास करके हमें हमेशा हरि नाम करना चाहिए। तो ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु इस महामंत्र का वितरण कर रहे थे तो लाखों लाखों की संख्या उनके पीछे दौड़ लिया करती थी और प्रभु को कुछ पता नहीं चलता था प्रभु कहां जा रहे हैं। बस नाम के वशीभूत होकर के स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए भगे चले जाते हैं। एक बार महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे थे तो एक कुरुम क्षेत्र दक्षिण और उड़ीसा से लगता हुआ आंध्र प्रदेश का, वहां से बॉर्डर शुरू जाता है, कुरुम क्षेत्र कहलाता है। उधर कुरुम भगवान का श्री विग्रह विद्यमान है और वहां पर चैतन्य महाप्रभु पहुंचे और वहां पर एक ब्राह्मण था, उसका भी नाम कुरुम ही था, कुरुम विप्र। उसने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया और उनको साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे महाप्रभु, आप कृपा करके मेरे घर कुछ समय के लिए आप रुकिए, 2-4-5 दिन जितना भी रुक सकते हैं। कुरुम विप्र उनको ले जाकर के अपने घर में जैसे पहुंचा, बहुत सुंदर सत्कार किया उस ब्राह्मण देव ने, चैतन्य महाप्रभु को सुंदर प्रकार से माल्यार्पण करी, उनके चरणों का प्रक्षालन किया और सुंदर फल नैवेद्य इत्यादि उनको प्रस्तुत किया भोजन के लिए। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ठीक है मैं रुकूंगा। प्रसाद पाया, रात्रि में हर प्रकार की सेवा ग्रहण करके महाप्रभु सो गए और ये विप्र भी सो गए। सुबह सुबह महाप्रभु 3 बजे उठ करके वहां से आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े, अपना नित्य क्रम किया, स्नान आदि किया, वहां से निकल पड़े। उसी क्षेत्र में एक वासुदेव विप्र नामक के बहुत ही उच्च कोटि के भक्त रहते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि रात्रि में चैतन्य महाप्रभु, जो और कोई नहीं भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव और अंग कांति को लिए हुए स्वयं प्रकटित है और हमारे कुरु क्षेत्र में आए हुए हैं, मुझे भी वहां पर जाकर उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो कुरुम विप्र के यहाँ ठहरे हुए हैं और ये जो वासुदेव विप्र है ये इतने दीनहीन है, इनके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, पूरे शरीर में ऐसा कोढ़ कि पूरे शरीर में घाव बन गए हैं और घाव के अंदर कीड़े हैं और कीड़े उनका मांस और उनका खून चूसते हैं, खाते हैं आराम से। और इतने उच्च कोटि के संत हैं, हमेशा हरिनाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलते चलते यदि कोई कीड़े उनके घाव से नीचे गिर जाते हैं तो ये बड़े दीनहीन होकर के उन कीड़ों को उठा करके पुनः उस घाव पर रख देते हैं कि अरे
तुम कहाँ जाओगे, मर जाओगे, इधर उधर जाकर सड़ जाओगे, मर जाओगे, तुम तुम्हारा भोजन यहीं पर है मेरे शरीर में, वापस उन्हें पुनः स्थापित कर देते हैं उन कीड़ों में। तो इतने ज्यादा दयालु, पूरे शरीर में कोढ़ है और कोढ़ होने के कारण पूरे शरीर में कीड़े हैं और घाव हो चुका है, कीड़ों पर दया दिखाते हैं, उन्हें पुनः वहीं पर उनके स्थान पर रख देते हैं और पूरे शरीर में से दुर्गंध निकलती है। ये पहुंचे कुरुम विप्र के घर और जाकर के कुरुम विप्र से पूछा कि महाप्रभु आए हैं और मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अंदर नहीं जाते, बड़े ही संकोची स्वभाव, क्योंकि उनके शरीर में कोढ़ है, वो सोचते हैं मेरा किसी को स्पर्श ना हो और अंदर जाऊंगा तो घर जो है अपवित्र हो जाएगा। बाहर से ही पूछ रहे हैं कि महाप्रभु आए हैं, उनका मुझे दर्शन करना है। तो ये देख करके कुरुम विप्र बोले, वो तो सुबह सुबह चले गए, अभी तो कम से कम भी आधा पौन घंटा हो गया उन्हें चले हुए, और यहां से कुछ नहीं तो 5-7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चले गए होंगे। तो जैसे ही वासुदेव विप्र ने यह सुना कि महाप्रभु चले गए आगे दक्षिण भारत की यात्रा में, वो पछाड़ खा के गिर गए। उनको जितने महाप्रभु का विरह सहन नहीं हुआ और गिर करके रोने लगे, हा महाप्रभु आप मुझ पर दया कब करोगे, मुझे दया नहीं करी आपने, मुझ पर कृपा करके एक बार दर्शन दे करके मुझ पर तो कृपा करते, ये कहकर रोते हुए गिर पड़े। और जहां पर वो बेहोश होकर गिरे हुए वहां महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु, उनको एकदम अनुभव हुआ कि मेरा भक्त कोई पछाड़ करके गिरा है। पुनः रस्ते में से लौटे, वहां से लौट करके कुरुम विप्र के घर पर आए और वहां पर आकर के कहा, यहां पर मेरा एक वासुदेव नामक भक्त आया है। तो कुरुम विप्र बोल रहे, हाँ ये अस्वस्थ पड़े हैं यहां पर, मैंने कहा कि आप गए, ये सुनते ही ये बेहोश है। अब तो जैसी महाप्रभु की आवाज सुनी उन विप्र ने, वासुदेव विप्र ने एकदम से खड़े हो गए और साष्टांग प्रणाम किया, महाप्रभु आप कितने दयालु हैं, इतना दूर चले गए थे आप और जाकर के फिर मुझे मुझ पर कृपा करने के लिए पुनः यहां पर आए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ मुझे तो आना ही था, मैं तुम्हें छोड़ के कहां जाता, मैं सोच रहा था कि दक्षिण भारत की यात्रा करके पुनः जब आऊंगा तब तुमसे मिलूंगा, लेकिन देखो तुमने मुझे अपने प्रेम में ऐसा बांधा कि मैं आगे नहीं जा पाया और तुम्हें यहां पर दर्शन देने के लिए आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया, जब उन्होंने प्रणाम किया साष्टांग प्रणाम, तो उनको उठाया और जैसे गले से लगाने लगे वो विप्र हाथ जोड़ करके पीछे को भटने लगा, भागने लगा, महाप्रभु मुझे छुए मत, मेरे शरीर में पूरे में कीड़े हैं, कोढ़ है, घाव है, पीप है और दुर्गंध उठ रही है, कृपा करके मुझे मत छुए, बस आपने दर्शन दे दिया मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगा। अब इतना सुनकर के महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं बस तुम मेरे पास आओ। उनको एकदम से आलिंगन किया और हृदय से लगा लिया, पूरे शरीर में जिनके पीप निकलता हो, दुर्गंध निकलती हो, और भगवान महाप्रभु ऐसे हैं, इतने दयालु और कृपालु हैं, उन्होंने उसको आलिंगन किया और आलिंगन करते ही उसके शरीर का जितना भी कोढ़ था वो समस्त जो है नष्ट हो गया और तुरंत दिव्य शरीर प्रकट हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा हुई और उन्होंने कहा, महाप्रभु आपने तो मुझे कामदेव जैसा सुंदर रूप प्रदान कर दिया, अब तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, मैं जिस तरीके संकोची स्वभाव से हरिनाम किया करता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, अब कैसे करूंगा, अब तो मैं जहां भी जाऊंगा कामिनियां मुझे देखेंगी, आकर्षित होंगी, मैं भी आकर्षित होऊंगा, मेरा भजन चौपट हो जाएगा और मेरे अंदर अहंकार आएगा कि देखो मेरा कितना सुंदर रूप और मेरा भजन चौपट हो जाएगा। तब महाप्रभु ने कहा, चिंता मत करो, बस तुम्हें अहंकार छुएगा भी नहीं और तुम हरिनाम में और हमेशा कृष्ण उपदेश में इतने आगे बढ़ चल जाओगे कि समस्त जीवों को तुम कृष्ण भक्ति में लगा दोगे। चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से कुरुम विप्र और वासुदेव विप्र पर चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी कृपा बरसाई। बोलो चैतन्य महाप्रभु की, ऐसे महाप्रभु कृपाल दयालु है, ये बड़ी जल्दी सुनते हैं क्योंकि इनके हृदय में राधा रानी का हृदय है और राधा रानी का हृदय बड़ा कोमल है, ये बड़ी जल्दी ही समझ जाती है भक्त के भाव को
कृष्ण थोड़े निष्ठुर है, कठोर है, जल्दी नहीं मानते, लेकिन राधा रानी बड़ी जल्दी मान जाती है। तो इसीलिए हमें क्या कहना चाहिए, नेताई गौरांगो जया, नेताई गौरांगो, 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 नेताई 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 गौरांगो, नेताई 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 गौरांगो, नेताई 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 गौरांगो, नेताई नेताई चैतन्य महाप्रभु की जय। देखो भागवत में बताइए, तुम बोलना भागवत में, भागवत का षष्ठ स्कंध में श्री अजामिल का कथा आता है। जो षष्ठ स्कंध को बताया उसका नाम बताया पोषण। पोषण मतलब होता है भगवान का जो नाम है वो पापी से भी पापियों को कल्याण करती है किसी तरह से भी। इसलिए भागवत में बताए बोले सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन नवेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम जिदु। अगर आपके जन्म जन्मांतर का पाप क्यों नहीं हो, किसी तरह से अगर ठाकुर का नाम तुमने उच्चारण कर दिया, किसी तरह से ठाकुर की नाम तुम्हारी मुंह से निकल गया ना। उदाहरण देते हैं, जैसे पहाड़ का आकार में रुई हो, अगर उसमें एक आग की चिंगारी पड़ी जाए तो क्या करेगा, वो जला करके पूरा का पूरा उसको राख बना देता है। उसी तरह भगवान का नाम अगर किसी तरह से आप उच्चारण कर लोगे ना, जन्म जन्मांतर का पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कल बताया था ना, भगवान का नाम लेने से तीन काम अपने आप हो जाता है। क्या क्या, किसको याद है, कौन बोलेगा हाथ उठाओ। भगवान का नाम लेने से तीन काम अपने आप हो जाता है, किसको याद है। देखो कोई भी कथा नहीं सुनते लग। देखो एक माता है हाथ उठाया, अभी उसने कथा सुनाई। मुझे लगता है यहाँ आते हो और बैठ करके यहाँ से चले जाते हो, और जो कथा सुन करके जाते हैं गेट में अपना पल्लू धार करके बोली कथा भैया यही कर रहे हैं, घर में जा रहे हैं। देखो एक समय एक व्यक्ति दुकान में मूर्ति खरीदी करने गया, देखा तीन मूर्ति है। उन्होंने पूछा भैया ये मूर्ति का क्या कीमत है, बोले पहला नंबर जो मूर्ति का कीमत है 100 रुपया, बोले दूसरा नंबर बोले इसका कीमत है 500 रुपया, बोले तीसरा नंबर बोले 5000, बोले क्यों, ये तीनों मूर्ति तो बराबर ही दिखता है, तीनों मूर्ति बराबर दिख रहे हैं, इतना फर्क क्यों है। बोले तीन गिलास पानी लाओ अभी मैं समझाता हूँ। जिसका कीमत था 100 रुपया, जब उसको कानों में दूध डाला ना पानी डाला, वो जिधर डाला उधर से निकल करके आ गया। बोले ये मूर्ति का कीमत 100 रुपया, ये जो सुनता है वो जिधर सुनता है ना उधर निकाल देता है। बोले दूसरा नंबर उसमें पानी डाले इधर डाला तो सीधा दूसरे कान में निकल करके आ गया। बल्कि ये तो सुनता है लेकिन एक कान में सुन करके दूसरे कान में निकाल देता है। इसका कीमत कितना है 500 रुपया। अभी जब तीसरा मूर्ति के कान में पानी डाला ना, एक बूंद भी बाहर नहीं निकला, वो पूरा का पूरा अंदर में चला गया। बल्कि इसका कीमत है कितना कीमत है 5000। आप लोग बताओ, आप लोग जो मूर्ति कथा सुनने वाले कितने पैसा किए बोलो, 5000 की बननी चाहिए, 5000 की। देखो अभी जो माताजी कथा सुनाएगी ना, ये आपको अभी ये अजा में लिया कथा सुनाएगी, ये मंदिर में मंगल आरती में आती है। जब कोई कथा बोलते हैं ना, हर कथा को ये कॉपी में नोट करती है, हर कथा को, फिर अड़ोसी पड़ोसियों को भी सुनाती है, अड़ोसी पड़ोसियों को भी उन्होंने भक्त बनाया। उसका एक छोटा बच्चा देखना, वो भी कुर्ता धोती पहन कर कथा में आता है, तिलक लगा करके कथा में आकर बैठता है। इनकी बेटी भी, बेटी यहाँ कहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक बेटी, दो बेटी है, तिलक लगा करके गले में कंठी लगा करके यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए जिस घर में बच्चे भगवान की भक्ति करे, भगवान के नाम जप करे ना, उसका घर ही वृंदावन धाम है, वही घर ही वृंदावन है। इसलिए हम चाहते हैं आपका घर भी वृंदावन धाम बन जाए। कथा ध्यान से सुना, उसको याद करो,
और देखो जब तक अड़ोसी पड़ोसियों को नहीं बोलोगे ना तब तक तुम्हारी कथा भी याद नहीं रहेगी। अड़ोसी पड़ोसी को बोलोगे तो तभी तुम्हारी कथा याद रहेगी। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 व्यक्तियों को भक्त बनाओ, अड़ोसी पड़ोसियों को है, अड़ोसी पड़ोसियों को। इसलिए एक कथा जरूर सुनना, ठीक है ना, और सुन करके उसको याद करना। मैंने कल कहा था जब प्रभु का नाम जब करोगे उसका तीन काम अपने आप हो जाता है। क्या क्या हो जाता है, किसको याद है? एक, दो, और कौन बोलेगा? और तीन, और कौन बोलेगा किसको और याद है? बताओ तो तीन काम क्या क्या हो जाता है? हाँ तो बोलो क्या होता है? और तीसरा काम क्या होता है? इनको ताली बजा। इसलिए हर कथा को ध्यान दे करके सुननी चाहिए। देखो हमारे जो बड़े गुरु जी, हमारे जो गुरु जी की जो गुरु जी थे जिनका नाम प्रभुपाद था, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई। वो कहते हैं जो जीव ये माया में फंसे हुए है, जो जीव इसी माया में फंसे हुए और ये संसार में दुख कष्ट पा रहे हैं, अगर एक व्यक्ति को भगवान की कथा सुना करके भगवान की भक्ति में लगा दो, बोले तुम्हें कितना पुण्य मिलेगी, कितना पुण्य मिलेगी। वो कहते हैं एक व्यक्ति अगर करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोल दे, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज खोल दे, करोड़ों करोड़ अन्न छत्र खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी उससे करोड़ गुण ज्यादा पुण्य मिलेगी अगर एक व्यक्ति को भगवान की भजन में लगा दिया। किसको दवा दो बीमारी, क्या चिरकाल के लिए थोड़ी वो बीमारी सही होगी, फिर बीमारी पड़ेगा। किसको कपड़ा दे दो दिन बाद में कपड़ा फट जाएगा। खाना दे दो घंटा बाद में फिर उसको भूख लगने लग जाएगी। ये जगत का जितना दान है थोड़ी समय के लिए वो दान है, लेकिन अगर एक व्यक्ति को प्रभु की भक्ति में लगा दो। कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन अगर जो व्यक्ति मेरी भक्ति करेगी, बोले जत गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम ममम, वो चिरकाल के लिए मेरे पास में आ जाएगा। जहां जाने से जन्म मृत्यु दुख कष्ट रोग शोक कुछ भी नहीं रहेगा और चिरकाल के लिए परम शांति को प्राप्त करेगा। इसलिए वो कहते हैं जगत में सबसे बड़ी दान है जो भगवान की कथा को दान देते हैं, जो भगवान की कथा सुना करके लोगों को मेरे भक्त बनाते हैं, कहते वो सबसे बड़े दानी है। क्योंकि हम सबके सब भगवान की बच्चे हैं, लेकिन भगवान को भूलने का वजह से संसार में ये दुख कष्ट उठा रहे हैं। अगर हम ठाकुर जी के पास में चले जाए ना सारे दुख कष्ट हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। कथा सुनना ध्यान से और जाकर के अड़ोसी पड़ोसियों को भी कथा को सुनाना, ठीक है। अब ये माता जी भागवत का षष्ठ स्कंध में जो अजामिल का जो कथा है, हैं ये अजामिल का कथा ये माता जी आपको सुनाएगी। देखो हम इसलिए इनको एक एक कर उठाते हैं जैसे आप लोगों का मन में भी उत्साह आए एक दिन हम भी भगवान की कथा सुनाएंगे। लेकिन देखना जो माताएं एक जगह में बैठ जाए ना सारा दुनिया की बकवास करने लग जाएगी, उसकी छोरी ऐसे कर दिया, उसको छोरा ऐसे कर रहा है, उसको घर में बहू के साथ में लड़ाई है, पता नहीं क्या क्या सारा दुनिया की बात बताओगे। कहते भैया इस बात को छोड़ करके जब एक जगह पर बैठो ना हरी चर्चा करो, भगवान की कथा बोलो, जिससे अपना भी कल्याण और जिससे दूसरा को भी कल्याण, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानेन्द्रियश्राव्यां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकरं सन्निवेश कृपासिन्धुवे च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो मामवतान्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरस्य नमः। हे कृष्णकमला सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ब्रह्मायै हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य
चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वशिष्ठ श्री गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धार्थ महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने सिख्या गुरुदेव नवीन कृष्ण दास प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। अनंत कोटि वैष्णव मंत्र के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम और श्री वाल्मीकि रामायण ऐसे दो महान ग्रंथ हुए हैं। जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है वह हमें क्या सिखाती है, हमें जीना सिखाती है कि संसार में कैसे जिया जाए, कैसे आदर्श नीति बुद्धि पूर्वक और भगवत प्रसन्नता के लिए जीना है, वही वास्तविक जीना है। और एक और है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के हमें क्या रखती है, श्रीमद् भागवतम कहते हैं मिले मानुष को जाता है, जो मरने वाला व्यक्ति है परीक्षित महाराज तो क्या इनको मरने की कला सिखाती है। ये संसार क्या है, संसार मृत्यु संसार है, मरना अनिवार्य है। तो कैसे मरने से हमारी गति शुद्ध होती है, कैसे मरने से हमारी गति स्वच्छ होती है, हमें क्या सिखाती है, श्रीमद् भागवतम हमें सिखाती है। श्रीमद् भागवतम का जो प्रत्येक प्रसंग है हमारे आत्मज्ञान को क्या करता है, उत्पन्न करता है, प्रकाश करता है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी कथा श्रवण कर रहे थे और षष्ठ स्कंद पर आ गए तो पंचम स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी जी ने नरकों का वर्णन किया जो कि 28 प्रकार के नरक हैं, जैसे कि सुकुरूप नरक, कुंभीपाक नरक, गौरव नरक, इस प्रकार के जो अनेक प्रकार के अलग अलग आपके लिए अलग अलग नरकों का वर्णन बताया गया है। तब सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, परीक्षित महाराज जी पूछते हैं कि प्रभु ये नरकों का वर्णन किस लिए है, तो कहा कि जिस प्रकार इस संसार में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए क्या है, दंड का विधान है, ऐसे ही उस लोक में भी दंड का विधान है। जैसे कि माना किसी व्यक्ति ने क्या किया, अपनी जीवन में 5 अत्याय कर लिया तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई और जज ने उसको फांसी की सजा दे दी, तो क्या हुआ उसको जो मृत्युदंड मिला वो एक बार मृत्युदंड मिला तो वो क्या हुआ, एक बार मरा, तो जो बाकी के उसके 4 जो उसने हत्याएं की है उसका पाप तो उसके साथ चला गया, तो उसका जो दोष है, उसका जो अपराध है वो उसको नरक में भोगना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने पाप का और पाप नरकों का वर्णन किया है। अब आया कि ये पाप और प्रायश्चित भी होते हैं, प्रायश्चित क्या है, जैसे माना किसी व्यक्ति ने झूठ बोल दिया, आज के टाइम में हम क्या करते हैं कि पल पल पे हम कितना झूठ बोलते हैं ये हमें खुद नहीं मालूम। कोई व्यक्ति व्यापार में झूठ बोलता है, कोई घर में झूठ बोलता है, हर टाइम आदमी झूठ बोलता है, लेकिन क्या होता है कि झूठ बोलने का प्रायश्चित क्या है कि उसको 1 लीटर खोलता हुआ घी, 1 लीटर खोलता हुआ उसको पीना पड़ेगा, उसको प्रायश्चित करना है। तो घी पीना तो इतना आसान नहीं है और वो भी इतना खोलता हुआ पीना तो मैं तो मृत्युदंड ही हो गया। ऐसे ही एक प्रायश्चित के बारे में कहा गया है, जैसे किसी व्यक्ति ने गाय की हत्या कर दी तो गाय की हत्या की तो उसको क्या करना होगा कि उसको पापी तो भूखा प्यासा रहकर दांतों में तरन दबा कर क्या होगा, भिक्षा करनी होगी। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि पापी है, प्रायश्चित भी बहुत बड़ा है, पाप तो छोटा सा है लेकिन प्रायश्चित बहुत बड़ा है। तब उन्होंने पूछे पाप होते कैसे हैं, पाप क्यों होते हैं, तब उन्होंने बताया कि हमारे हृदय में जो पाप करने की वासना है ना वो इतनी प्रबल हो चुकी है कि वो हम पाप करते हैं फिर प्रायश्चित करते हैं, पाप करते हैं प्रायश्चित करते हैं। ये इस प्रकार हो गया, जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ में जाता है, पैर गंदे करता है और फिर धो लेता है। तो परीक्षित महाराज ने कहा कहने इसे ऐसे मतलब उन्होंने कहा ऐसा समझो इसको जैसे कि एक पाप का पेड़ है, तो पाप का पेड़ है तो उसके जो बीज लगेगा उसमें जो फल लगेगा वो भी पाप का फल होगा, पाप का बीज होगा। तो प्रायश्चित करने से हमारा पेड़ तो कट जाता है लेकिन जो उसका बीज होता है, जो अंकुर होता है वही रह जाता है, वो नष्ट नहीं होता। तो उससे क्या होता है, हमारे जो हृदय के संस्कार हैं इतने खराब हैं कि वो बीज वाले पेड़ बन जाता है। जैसे कि हमने माना एक बांस का जंगल है, उस जंगल में क्या हुआ, जंगल में आग लग गई, आग लगने से पूरा जंगल तबाह हो गया, सारे पेड़ जो बांस थे खत्म हो गए। लेकिन जैसे ही सावन की बारिश पड़ी और उसमें जो पानी पड़ा, एक तो पानी और ऊपर से जो जंगल राख हुआ था उसकी राख की उर्वरता, उससे वो इतना सुंदर पेड़ दोबारा बन गया क्योंकि उसमें जड़ रह गई थी, जड़ रहने के कारण बीज रहने के कारण वो दोबारा पेड़ बन गया। तो ऐसे ही पाप का पेड़ दोबारा निकलता है। तो उन्होंने कहा कि जो ये पाप का पेड़ है, मतलब पाप भी है और पाप का पेड़ भी है, तो इसलिए
पाप का बीज उन्होंने ही किया है, ना ही तो पाप करने से कुछ हल, राशि करने से कोई हल है। तब उन्होंने शुद्ध गोस्वामी से कहा कि कोई ऐसा रास्ता बताइए कि ना रहेगा पास और ना बचे पास में। तब शुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं केचित केवलिया भक्तया वासुदेव प्रायणा अगर गुणवंती का सेनानी नामी भास्करा। केचित केवलिया भक्तया, केवल भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है कि केवल एकमात्र भक्ति ऐसा साधन है जिसको करने से क्या होगा, पाप और पापी दोनों ही समूल रूप से नष्ट हो जाएंगे। पाप और पापी दोनों ही समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। केवल भक्ति अगर प्राश्चित करते हैं, प्राश्चित में क्या होता है, बीज रह जाता है, बीज रहेगा होगा, लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो भक्ति का एक साधन सताया कि ना तो बीज रहेगा, जब बीज नहीं रहेगा तो पेड़ कहाँ से आएगा, और जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो फल कहाँ से आएगा। तो उन्होंने कहा ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। तो इस प्रकार उन्होंने भक्ति को बताया। इस प्रकार डेली जो है प्रतिदिन सूर्योदय होता है। सूर्योदय किस लिए होता है? सूर्योदय होता है जगत को प्रकाश देने के लिए, उसका मुख्य कार्य है जगत को प्रकाशित करना, जगत को ताप देने के लिए। लेकिन माना कहीं एक दूर बर्फ का पहाड़ है, तो सूर्य जैसे उदय हुआ वो बर्फ का पहाड़ क्या हुआ, अपने आप पिघलने लगा। तो क्या सूर्य उस बर्फ के पहाड़ को पिघलाने के लिए आया था? नहीं, लेकिन ये क्या हुआ, उसका अनुसंधिक कार्य हो गया। इसी प्रकार जैसे कि सूर्य उदय होने का आभास ही होता है कि सूर्योदय अभी हुआ नहीं, होने वाला है, तो उदय होने से पहले ही क्या होता है, चोर भूत प्रेत पिशाची सारी जाति सब भाग जाते हैं। तो क्या सूर्य उन्हें भगाने के लिए आया था? कहते नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे जो सत्कामी है अपना भी हराते हैं, इसलिए कहा गया है। सूर्य कृष्ण कहते हैं केचित केवलिया भक्तया, केवल भक्ति ही एकमात्र ऐसा धर्मास्त्र है, एकमात्र ऐसा साधन है जिसको करने से दोनों ही पाप पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो इस उपलक्ष्य में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित अजामिल का उपाख्यान सुनाते हैं। अजामिल उपाख्यान एक ऐसा उपाख्यान है जिसको सुनने से हमारे हृदय में भक्ति करने की इच्छा प्रबल होती है, भक्ति करने की इच्छा पैदा होती है। तो आइए हम सुनते हैं अजामिल उपाख्यान। कान्यकुंज एक नगर था जो आज कन्नौज के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें एक नैष्ठिक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही नैष्ठिक था, उसने सब प्रकार के सदा उत्तर रखते थे। लेकिन एक बार वह उसका क्या नाम था, उसका नाम था अजामिल। एक बार वह पिता की आज्ञा से बंद हो गया और वन से संविदा लेकर लौट रहा था। इतने में उसको एक कुसंग की प्राप्ति हो गई। कुसंग कैसा कि कुछ जो लोग हैं वे क्या कर रहे हैं, लोकगीत को लगाते हुए नृत्य कर रहे हैं। उनके साथ एक उल्टा स्त्री थी। तो अजामिल ने उस चित्र को देखा। उस चित्र को देखने के पश्चात अजामिल ने उस चित्र को अपने नृत्य में स्थान दे दिया और वह घर आया। घर आने के बाद उसके दिमाग में, उसके मन में वही चित्र चलता रहा, उसी का चिंतन में लगा रहा। तब उसने अपनी पत्नी जिसको वो शादी करके विधिवत अपने घर लाया था उसको भी त्याग दिया, अपने ब्राह्मण तत्व को भी त्याग दिया और क्या वो उस वैश्य के पास चला गया। उस वैश्य के पास जाकर वह रमन करने लगा। तो उसने वहाँ पर 88 साल तक रमन किया। तो कहते हैं कि देखो अजामिल कितना निष्ठित ब्राह्मण था, लेकिन एक कुसंग की प्राप्ति से क्या हुआ, उसने अपना सब ब्राह्मण तत्व सब कुछ नष्ट कर दिया। और आज के समय में हम देखते हैं हम हर पल हर क्षण इन्हीं गंदी वासनाओं का शिकार हो रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, इतना निष्ठित ब्राह्मण होने पर भी वह अपने आप को नहीं रोक पाया उस कुसंग को अपने हृदय में स्थान देने से। तो इसलिए यहाँ पे शिक्षा होती है कि हमें क्या कुसंग से बचना चाहिए। तो वहाँ पे अजामिल वहाँ पे चला गया। अजामिल उस वैश्य के साथ रमन करने लगा। तो वह क्या था, वह तो पंडित था, वो जानता नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने जंगल में जाके डाकू बन गया और चोरी करता, लोगों को लूटता, मारता, काटता, इसी प्रकार से अपने जीवन को निर्वाह करने लगा। चोरी के पैसे से जो भी बुरा कर्म, जो भी पाप कर्म था, वो सब प्रकार से पाप कर्म करता था। ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं था जो उसने ना किया हो। ऐसा करते करते वह अपने जीवन को निर्वाह करने लगा। एक समय ऐसा आया कि उसके 10 पुत्र हुए। तो उसने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। तो जैसे कि हम सभी की छोटे पुत्र में बड़ी आसक्ति होती है कि छोटी बोली उसकी हमें अच्छा लगता है, ऐसे ही अजामिल को छोटे पुत्र में बड़ी आसक्ति थी। वह कोई भी कार्य करता तो अपने छोटे पुत्र को ही अपने हृदय में स्थान देता। नारायण बेटा पानी पी ले, नारायण बेटा खाना खा ले, नारायण अपनी माँ की गोद में से मेरी गोद में आ जा। इस प्रकार वह हर प्रकार से अपने छोटे पुत्र के प्रति उसका बहुत मोह था। एक समय ऐसा आया कि उसकी मृत्यु निकट आई। तो मृत्यु निकट आई तो उसको 3 यमदूत देने आए। अब तो आ गया भाई, उसको यमदूत क्यों लेने आए, क्योंकि उसने पाप किए थे तो उसको नरक में जाना था, इसलिए उसको यमदूत लेने आए। अब ये कहा गया 3 यमदूत क्यों लेने आए, क्योंकि उसने 3 प्रकार से पाप किए थे, धन से मन से और वचन से, उसने 3 प्रकार से पाप किए, उसको 3 यमदूत लेने आए। अब उन यमदूतों का स्वरूप कैसा था, उन
थोड़ी दूरी उसका पुत्र खेल रहा था, साफा पुत्र खेल रहा था, तो उसने राजा कहा नारायण। तो ऐसा कहते ही भगवान के चार विष्णु दूत प्रकट हो गए और वहां पे आकर खड़े हो गए। अब ये आए कि चार विष्णु दूत भी प्रकट हुए क्योंकि उसने चतुर अक्षर में भगवान का नाम पुकारा नारायण नारायण। तो ऐसे उसने भगवान का नाम पुकारा तो चार विष्णु दूत तुरंत आकर प्रकट हो गए। तब यमदूत जो एक तरफ खड़े थे जो उसके शरीर से पान खींच रहे थे उनको छोड़ दिया और पूछा विष्णु दूत से कि आप कौन हो। तो विष्णु दूत ने कहा कि आप बताओ आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि हम धर्मराज के दूत हैं और हम इसको लेने आए हैं। तब उन्होंने कहा यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकान्या नूतन धर्मस्य नस्तत्रु यदुचा अधमस्य लक्षणम्। कि यदि तुम वाकई में मतलब धर्मराज के अधिकारी हो तो मुझे धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व बताइए, धर्म और अधर्म क्या है। तब धर्मराज के दूत कहने लगे वेद पिता धर्म तद विपर्याय अधर्म। कि वेदों में जो करने के लिए कहा गया है वही धर्म है और इसके विपरीत जो भी कोई कार्य करता है वो अधर्म है। जिस प्रकार वेदन बताएंगे कि दान करना चाहिए तो दान करना क्या हुआ धर्म हो गया, लेकिन किसी ने दान तो किया नहीं और दूसरा व्यक्ति जो दान करा उस दान को वो ले रहा है तो ये अधर्म हो गया। तब धर्मराज के पुत्र ने कहा कि जो भी वेदों में बताया गया है वो अधर्म है और जो इसके विपरीत कार्य करता है वो अधर्म है। इस प्रकार तो विष्णु पुत्र ने सुना तो विष्णु पुत्र ने हंसे ठाका लगाया कि हाँ कैसे वो है। तब उन्होंने कहा अहोकष्टम धर्म दर्शाम अधर्म स्पर्श सभा कि बड़े खेद की बात है बड़े आश्चर्य की बात है कि धर्म की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है। तब उन्होंने कहा कि नहीं यह है ना बहुत बड़ा पापी है जो अजामिल है बहुत बड़ा पापी। तो उसने उसके पूरे जीवन के बारे में बताया कि किस प्रकार इसने अपने ब्राह्मण तत्व को नष्ट करके एक वैश्य भी साथ ग्रहण किया उसके मन के समान अन्न को ग्रहण किया। इस प्रकार उन्होंने पूरी बात बताई। कहने लगे ऐसा नहीं है इसने अंत समय में इसने तो सब पापों को प्रायश्चित कर लिया क्योंकि इसने अंत समय में जो हमारे प्रभु का नाम पुकारा नारायण पुकारा तो इसके जो समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो गए। तब उन्होंने कहा कि नहीं यह तो अपने पुत्र के गुण पुकार रहा था यह आपके भगवान के नाम नहीं पुकार रहा था। तब उन्होंने विष्णु दूत ने कहा सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तवम गैरम वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष गैरम मेधु। कि संकेत में पारिहास में या अवहेलना पूर्वक ही जो भी जिस प्रकार मेरे प्रभु का नाम लेता है हमारे प्रभु का नाम लेता है उसकी तो भगवान का नाम क्या है भगवान का नाम मंदाई है तो उसको तो नरक में जाना ही नहीं पड़ता। तब उन्होंने कहा इसमें छोटे से लोग करा दिए जो हमने अपने वैष्णवों से सुनी है जैसे कि चार चोर थे तो वे जंगल में क्या करते थे चोरी करते थे। तो उन्होंने चार चोरों ने अपना एक कोड़ सेट कर रखा था। तो जैसे ही कोई व्यक्ति आता तो बोलता नारायण नारायण तो भगवान का नाम ही रहा था लेकिन उसका कहने का तात्पर्य था नर आया नर आया। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति को पता लगता था कि कोई आ रहा है तो जब वो दूसरे व्यक्ति उसको देखता था वो कहता दामोदर दामोदर। अब ये भी भगवान का नाम ले रहा है लेकिन क्या कह रहा है दामोदर इसकी कमर में जो है दाम पैसा है। ऐसे ही वो तीसरे व्यक्ति के पास जाता है उसे देखता वो कहता वासुदेव वासुदेव जल्दी पास लाओ उसे सिर फोड़ेंगे। ऐसे वो कहता वो चौथे के पास जाता तो कहता मधुसूदन मधुसूदन इसको जल्दी खाली करो मधु यानी पैसा और सुधर मधु को जल्दी सोच कर लो उसके पैसे को जल्दी ग्रहण कर लो। तो ऐसा करते हैं तो इतने में क्या हो गया ब्रजपात हुआ। ब्रजपात होने से क्या हो गया चारों की मृत्यु हो गई और वे स्वर्ग को चले गए। अब कहने आए भाई वे स्वर्ग को क्यों गए तो पाप करते थे लेकिन नहीं जब उन्होंने भगवान का नाम लिया उसके बाद में कोई पाप ही नहीं कर पाए उसके बाद में कोई पाप नहीं कर पाए भगवान का नाम लेने के बाद तो इसलिए ना स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऐसे ही एक कथा इसी कलयुग की आती है अली किशोरी जी की। एक बार एक मतलब व्यक्ति थे जो बरसाना धाम गए बरसाना धाम में गए तो उनकी पत्नी भी छोड़ गई। उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। तो वो कहता अब वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था बड़े आकुल व्याकुल होकर किशोरी तुम कहाँ हो किशोरी तुम कहाँ हो किशोरी किशोरी ऐसे करते हो पूरे सारे ने अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। इसलिए में जब राधा रानी ने ये देखा तो राधा रानी खड़ी हो गई और उठ के चलने के लिए तैयार हो गई। तो मैं बोला उनकी सखिया बोली स्वामी हे राधे आप कहाँ जा रही हैं। वो बोली कि एक व्यक्ति मुझे बुला रहा है बड़ा आकुल व्याकुल होकर मुझे बुला रहा है मैं उसके पास जा रही हूँ। तब सखियों ने कहा नहीं ये राधे रानी वो आपको नहीं वो तो अपनी पत्नी को बुला रहा है। तो किशोरी जी ने कहा भले ही वो अपनी पत्नी को बुला रहा हूँ मैं तो किशोरी हूँ ना इस पर जो तो मैं ही अकेली किशोरी हूँ तो मैं तो किसी को जानती ना मुझे ही बुला रहा है। और राधा रानी अपने पास गई। जब उस व्यक्ति ने दृश्य देखा तो क्या अहो मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी को बुला रहा था फिर भी राधा रानी आई है।
इस प्रकार वह आज मैं क्या राधा रानी की भक्ति करने लगा। रोज एक पद लिखता और जिसको सुनने के लिए स्वयं राधा रानी आती। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे पद लिखे और आज भी इसमें वे पद प्रसिद्ध है अली किशोरी पद के नाम से। तो कहते हैं सांकेत्य अंबारी हास्यम वा कि किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेने से मंगल ही मंगल है। किसी भी प्रकार से हम संकेत में ले लो, प्रयास में ले लो, अवेला कुंभक भी ले लो तो भगवान का नाम ज्यादा मंगलदायी होता है। इस प्रकार तब क्या हुआ, यमदूत तो वापस चले गए और विष्णुदूतों को अजामिल ने प्रणाम किया और जैसे ही हमने कुछ कहने वाला था इतने विष्णुदूत भी चले गए। तब अजामिल को इस चीज का एहसास हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने 88 साल अपने जीवन को नरक कर दिया, तबाह कर दिया, राख कर दिया। तो मैंने इसको अब मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरा बचा हुआ जीवन उसको भक्ति में लगाऊंगा। क्योंकि वो एक नष्टिक ब्राह्मण था, उसको क्या हुआ विष्णुदूतों के आने से उनको भक्ति का एहसास हुआ। तब ये हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जाकर उन्होंने भगवान के नाम को बड़े प्रेम में से अपने जीवन जितना ही बचा था उसको बड़े प्रेम पूर्वक भगवान का नाम उच्चारण किया। अंत में वही विष्णुदूत जो चार विष्णुदूत जब आए थे वे रथ आए, रथ में चार विष्णुदूत आए और अजामिल को अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम चले गए। ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है वह उसका जीवन मंगलदायी होता है। इनमें कहा है कि मृियमानो हरि नामा गणन पुत्र पचायतम, गणन पुत्र पचायतम बैकुंठ नाम मृियमानो हरि नामा गणन पुत्र पचायतम अजामिलो अप्यागतम किं पुनः श्रद्धाय गणन। कि अजामिल ने तो सिर्फ पुत्र के बहाने से भगवान का नाम लिया, अजामिल ने जो लिया सिर्फ पुत्र के बहाने से भगवान लिया, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का नाम लेता उसकी तो बात ही क्या है। देखो इसमें एक चीज देखने मिलती है कि अजामिल ने क्या किया, सिर्फ एक कुसंग की प्राप्ति करी, उससे उसका सब ग्रंथ सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन वही अजामिल ने क्या अपने पुत्र के बहाने से भगवान का नाम लिया। एक बार भगवान का नाम से उसके जितने करोड़ों मतलब पाप थे, बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो गए। तो हमें क्या लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। हमारे गुरुदेव हमें हर बार हर साल में दो बार आकर हमें सिखाते हैं कि भगवान का नाम लो, क्योंकि भगवान जो है इस कलयुग में इसी नाम में विराजमान है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी न उतरे ही पारा। तो क्यों भगवान का नाम ले जाए जब कलयुग में इतना आसान इतना सरल उपाय कर दिया गया है। तो उसके बाद भी अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते तो हमारी क्या गति होगी, हम तो करोड़ों करोड़ों पाप पता नहीं कितने पाप करते हैं। तो इसलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भगवान जाकर तुम्हें कृपा बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। देखो उन्होंने जो षष्ठ स्कंध की कथा सुनाई ना, ऐसे नहीं वो श्लोक को साथ में याद किया है, श्लोक को साथ में ये रोज मंगल आरती में आती है। हाँ जितने बजे तुम आरती नहीं हो वो रोज मंगल आरती में आएगी, कथा सुनेगी, हरि कथा को नोट करेगी। ठीक है, आप लोग भी धीरे 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 कथा सुना। चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, एक दिन ऐसे आएगा गली गलियों में शहर शहर में सर्वत्र मेरा नाम गूंज उठेगा। अब सब लोग प्रसन्न होकर के क्या करेंगे, भगवान का नाम को ग्रहण करेंगे। इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी, इसलिए आप लोग ये वाणी सार्थकता कब होगा, तभी सार्थकता होगा जब आप लोग भगवान की भजन करोगे और दूसरों को भी भगवान की भजन कराओगे। ठीक है, इसलिए कथा को ध्यान देकर सुना, मंदिर में आओ मंदिर में जाओ, ठाकुर की कथा सुना और अपना अड़ोसी पड़ोसियों को भी भगवान की भक्ति में लगाओ। ठीक है, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। देखो ये कथा में सिख्या किया है, ये कथा में सिख्या है, एक तो बच्चों का नाम कभी उल्टा पुल्टा मत धराया करो, टुल्लू बुल्लू टिंकी टिंकी ये सब कुत्तों का नाम है, ये बच्चों का नाम कुत्तों का नाम को मत धराया करो। किसी ज्योतिष को बुला करके अक्षर निकालो और अक्षर को पहले रख करके कोई ठाकुर जी का नाम हो नहीं तो कोई संतों का नाम रखा करो। बार बार जब बच्चों को हम बुलाएंगे क्या होगा, जीवा से ठाकुर जी की नाम निकलेगा तो कम से कम अपना जीवा पवित्र होगी और घर पवित्र होगा। अगर पहले किसका नाम ऐसे उल्टा सुलटा हो फिर आप लोग मेरे पास में आना, फिर आप लोग का नाम एक भक्ति का नाम है धरा दूंगा। जितने बच्चे हैं और जितने बड़े बूढ़े हैं सबके सब आना। तो देखो दूसरी सिक्का देखो ध्यान देख रहे सबको, हमें ये स्मार्टफोन में गंदी गंदी चीज को नहीं देखनी चाहिए। ये चीज अभी बता रहे थे ना अजामिल,
इतने ब्रह्मचर्य निष्ठा, बुजुर्गों को सेवा करने वाले, इतने धार्मिक ब्राह्मण था, लेकिन उसने एक बार केवल अपना आंखों में एक बार केवल गंभीर चीज को उसने देख लिया तो उसकी बुद्धि बिगड़ गया। अगर अजामिल जैसे व्यक्ति अगर बुद्धि बिगड़ सकती है, बताओ हम क्या हो सकता है। अगर हम दिन भर स्मार्टफोन को लेकर के उल्टा पुल्टा गंदी चीज देखोगे, फिर हमारा मन पवित्र कैसे होगा। इसलिए अभी इतना क्राइम क्यों हो रहा है, उल्टा पुल्टा क्यों हो रहे हैं, ये स्मार्टफोन से हम लोग उल्टा पुल्टा चीज देखते रहते हैं, इसलिए सारे उल्टा सुलटा हो रहा है। इसलिए हमें कभी उल्टा पुल्टा चीज हमें नहीं देखनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। दो मिनट कीर्तन कर लेते हैं, सब पीछे पीछे मेरे ताली बजाते हुए भागवत का नाम लेना। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम Krishna, 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 Hare.
Radhe 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 ॐ ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदिरये तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं नीगवकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतम् पीबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द सबर हाथ थके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 आप लोग बोलो फिर सुनता हूँ जोर से बोलिए सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। गत गल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री परीक्षित महाराज ने कलियुग को चार जगह पर स्थान दे दिया, मतलब कलियुग में केवल चार नियमों को पालन करो और थोड़ी सी भगवान के नाम ले लो, इसी से ही कलयुग में हमारी उद्धार हो जाएगी। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। दूसरी नंबर है किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु मत लिया करो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा, ये गुटखा भी नहीं लेनी चाहिए। ये गुटखा का पहला अक्षर क्या बताओ तो जोर से बोला, ये गुटखा नहीं ये घू है, इसलिए जिसने ये गुटखा की कंपनी खोला ना वो स्वयं कैंसर में मरा और खुद तो मरा और दुनिया को मरवा कर गया है। इसलिए
और चाय भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चाय में निकोटीन और उसमें कैफीन डाला हुआ है, ये जहर है, इसलिए चाय भी नहीं पीनी चाहिए। और तीसरा नंबर में स्त्रियां, स्त्रियां मतलब है स्त्रियों के ऊपर में भी कलिका निवास है। बोले कौन सा स्त्रियां हैं जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों का संग करते हैं, वहां पर कलिका निवास है। संसार करो शादी करके धर्म पत्नी को साथ में धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी करनी चाहिए। और चौथा नंबर में जीव हिंसा में, जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, और ये प्याज लहसुन आदि ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जब श्री परीक्षित महाराज ने ये चार जगह पर उन्हें स्थान दे दिया, एक दिन जंगल में भ्रमण करने के लिए गए तो बड़ी जोर से प्यास लग रहा था, देखा एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, सचमुच से वो भजन ही कर रहे थे, उनको पानी मांगे, पानी नहीं दिया तो उनकी गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प को डाल दिया, उसकी बच्चे को पता चलते ही उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मैं अभिशाप देता हूँ सप्तम दिवस में उनको तक्षक का दर्शन करेगा। लेकिन ये बात को राजा सुन करके दुखी नहीं हुए, अगर हमें पता चलता ना हम आधा ही मर जाते, लेकिन राजा प्रसन्न हो गए। क्यों? अगर कोई पाप कर्म करो, अगर उसकी प्रायश्चित हो जाए, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपना बेटे को राज सिंहासन में बैठा करके उन्होंने प्राय विवसन किया है। उन्होंने प्राय विवसन कहाँ पर किया? जो सुकर ताल है ना, घर को पास नहीं है, वहीं पर। आप लोग बड़े भाग्यवान हो, आपको घर को पास में ही ये भागवत कथा हुई है। उसी समय कोई टेलीफोन टेलीग्राफ नहीं था, लेकिन ऋषि मुनियों के पास में दिव्य ज्ञान होता था, 18,000 ऋषि लोग वहां पर उपस्थित हुए। तो उन्होंने प्रश्न किया है, आप लोग कृपा करके बताइए, आज हो, कल हो, परसों हो और बरसों हो, सबका एक दिन मरना ही है। तद अद्य वा अब्द सतांते वा प्राणी नाम मृत्यु नाम ध्रुव, एक दिन सबको मरना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे मरणशील व्यक्ति को क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य? आप कृपा करके सब लोग बताओ। लेकिन नासो मुनिर्ज समतम न भिर्नम, ऐसे कोई मुनि नहीं थे जिसका अलग मत नहीं था, सब अलग अलग बात कर रहे थे। परीक्षित महाराज के डर गए, बोले क्यों? बोले अगर एक का बात सुने और दूसरा का बात नहीं सुने ना, बोले मैं क्या कमी हूं? तो मेरे बात नहीं सुना, दूसरा का बात सुने हो, बोले ये सबके सब एक एक ब्रह्मसाज हो। तब उन्होंने हृदय से ठाकुर जी को स्मरण किया है, ठाकुर जी आप ही मुझे मातृगर्भ में रखिया किया था, मेरी एक अंतिम इच्छा है आपकी कथा श्रवण करते करते मेरे साथ दिन बीत जाए। तब भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर आप किसी विपत्ति में पड़ो, अगर हृदय से ठाकुर जी का स्मरण करो ना, ठाकुर जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी आए तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, बोले अतः पृच्छा विषम सिद्धि ज्योतिनांग परमं गुरु पुरुषस्य जत कर्तव्यम् सर्वथा। बोले आप कृपा करके ये बताइए, जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को ऐसे लगे जीवन में हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन ये दुनिया ऐसे है ना, आप जितने धन दौलत क्यों नहीं मिल जाए, जगत में कोई भी तृप्त नहीं होते हैं। अंबानी से पूछो, तेरे पास में इतना पैसा है, अभी क्या तू तृप्त हो गया? वो सोचता होगा पृथ्वी का पहला नंबर धन धनी मैन होनी चाहिए, इसलिए उसको कहते कमाई। कमाई मतलब क्या? कम आई ज्यादा आनी चाहिए। बोले बताओ कृपा करके इसे कौन सा धन है जिसको पाने का बाद उसको ऐसे लगे जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त हो गया, जीव का कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या, आप कृपा करके बताओ। जब उन्होंने पूछे ये प्रश्न सुन करके सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह तुमने कितना सुंदर तुमने प्रश्न किया है। बोले बरियान ऐसे प्रश्न
कृतलोक हृतम नृपम आत्मबीति सन्मत पुंसा। तेरे प्रश्न को तो बड़े बड़े आत्मा में जो रमण करने वाले ऋषि लोग भी सराहना करेंगे, कितना सुंदर तुमने प्रश्न किया। बोले देखो ये जो मानव शरीर है ये बड़े भाग्य से हमें मिला है, जिसको भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं, बोले बड़े भाग मानव सतन पावा शरीर है। कहते देवताओं के लिए भी ये भारत भूमि में मानव जब जन्म लेना बड़ा भाग्य है, फिर हिंदू धर्म में सनातन धर्म में जन्म लेना तो बड़ी भाग्य की बात है, जिसको भगवान राम कहते हैं देत ईस बिनु हेतु सने। अगर कोई बोले नहीं हमने कोई बढ़िया कर्म किया है ना तभी तो हमें मानव शरीर मिल गया, भगवान कहते नहीं, बोले देत ईस बिनो हेतु सनेही, भगवान कैसे बिना कारण के अहित के रूप में तुम्हें ये मानव शरीर कैसे मिल गया है, हैं? इतना आसान नहीं मानव शरीर पाना। फिर हिंदू घर में और फिर बड़ौत में जहाँ पर गंगा यमुना बह रही हैं, जहाँ पर सुखताल पास में, जहाँ पर पंच पांडव निवास करते थे, यहाँ तो जन्म लेना साधारण बात है नहीं। इसलिए समझो आप लोग बड़े सौभाग्यवान हो, फिर ये भागवत कथा में बैठना ये तो स्वर्ग में देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये भागवत कथा है। फिर इतना दुर्लभ जीवन जो भगवान ने दिया ये जीवन पाकर के क्या करनी चाहिए, बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कभी ये मानव शरीर नहीं कभी ये मुक्ति की दरवाजा पर पहुंचे हो। 84 लाख जन्म भटकते भटकते ये मुक्ति की दरवाजा पर तुम पहुंच गए हो, लेकिन ये पाई न जई पर लोक सवारा, लेकिन जिनको ये मानव शरीर मिला लेकिन मिलने का बावजूद भी भजन नहीं करते हैं, तो गोस्वामी जी कहते देखो फिर तो सर पिटते रह जाओगे लेकिन तुमको ये मानव शरीर और नहीं मिलेगा। फिर वही 84 लाख जन्म में पेड़ पौधा गधे सुअर होकर फिर घूमना पड़ेगा। इसलिए ये जीवन का तभी सार्थकता है जब ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति कर लो। लेकिन कहते हैं हम जीवन पा करके करे रहे क्या, बोले केवल चार ही काम करके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बोले चार ही काम क्या करते हैं, बोले दिन में 2 काम और रात को 2 काम। बोले दिन में 2 काम क्या, पहला नंबर पैसा कमाओ और पैसा के द्वारा परिवार को मेंटेनेंस करो, रात को विश्राम और विषय भोग, बच्चे जन्म देना। तब सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये बताओ जो हम ये 4 काम करके ये जीवन को गमा रहे हैं ये काम को ऐसे कौन सा जानवर जो नहीं कर रहा है, कभी जीवन पा करके ऐसे कौन सा जानवर जो ये काम को नहीं कर रहा है। तो हमारे गुरु जी एक कथा सुनाते थे, ध्यान देकर सुना, कहते एक समय कोई एक जज जा रहा था, देखा रास्ता में एक सुअर लेटा हुआ, वो पहना हुआ था बूट, इतने में उस सुअर को बड़े जोर से मारा, मारते ही सुअर ने कहा भैया तू मेरे को क्यों मार रहे हो, बोले तू सुअर है ना, बोले तू कौन हो, बोले दिख नहीं रहा है मेरे जज हैं। तो सुअर प्रश्न करता है बोले ये बताओ तुम मेरे से किसी काम में बड़े हो, जज ने पूछा बताओ, बोलो, बोले ये बताओ तुम्हारी कितने बीवी है, बोले एक बीवी है। सुअर ने कहा जानते हो देखो ये 15-20 जो लेट हुई ना ये सबके समय घूमी है,
ये सबके साथ में मैं घूमता रहता हूँ, ये सबके साथ में रहता हूँ, इसमें भी फेल हो। बोला ये बात सही है, बोले ये बताओ साल में कितने बच्चे तुम जन्म देते हो? बोले एक। कभी जमज हो जाए, कभी जमज संतान हो जाता है। उसने कहा तेरे को पता है एक साथ में मेरे कितने बच्चे? बोले एक दर्जन से कम नहीं। अब देखोगे ना सूर्य कितने बच्चे जन्म देते हैं। बोले इसमें भी तुम फेल हो। बोले ये बताओ बच्चों को बड़ा बनाने के लिए तुम कितने साल लगाते हो? कितना साल लगाते हो? 20-25 साल लग जाती है एक बच्चे को बड़ा बनाने के लिए। अगर जब तक शादीशुदा दे करके उसको हम नहीं छोड़ देते ना, अगर कोई बेटा अगर निकम्मा बन जाए, मरने का तक भी दम तक भी पीछा नहीं छोड़ता है, वो बोझ बन जाता है। कहते मैं कुल एक महीना में ये 15-15 बच्चों को एक महीना में होनहार करके छोड़ देता हूँ, फिर वो घर गृहस्थी करने लग जाते हैं। बोले इसमें भी फेल। बात तो सही है। बोले ये बताओ तुम ये बच्चों को पालन करने के लिए तुमने क्या किया है? बोले पहले माइनर स्कूल में गया, फिर हाई स्कूल में, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर कोई डिग्री, हाँ एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर, उसके बाद में फिर बड़े कष्ट से कोई नौकरी मिली, इसमें भी 10-10 घंटा काम किया, फिर पैसा कमा करके किसी तरह से अपना संसार में भरण पोषण कर रहा हूँ। देखो वो क्या कहता है। बोले ये इतने बच्चों को पालन करने के लिए ना, अपना पेट पालन करने के लिए मैंने कोई हाई स्कूल, कोई माइनर स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी में किसी का नौकरी नहीं कर रहा है। ये तो खाना मेरे को आसानी से मिल रहा है, आसानी से मेरे को मिल रहा है खाना। बोले इसमें भी तू फेल हो। बोले बात सही है। बोले रात को नींद आती है तेरे को? जिसको ज्यादा संसार की चिंता हो ना, बेटा बेटी शादी देना, पढ़ाई करना, इनको नौकरी। बोले तेरे को एयर कंडीशनर रूम में गोली खाने पर भी तेरे को नींद नहीं आती होगी? मैं तो कीचड़ के ऊपर में नो टेंशन आराम से सोता रहता हूँ, आराम से सोता रहता हूँ। आप लोगों ने सुना कोई अभी तक कोई जानवर को सुसाइड करते हुए सुन लो? कोई जानवर कभी सुसाइड करता है? इंसान सुसाइड करता है। देखो सुखदेव गोस्वामी ये चीज को अच्छा तरह से समझ करके जाओ। अगर हमने शादीशुदा करके 2-4 बच्चों को बड़ा बना करके थोड़ी सी लिखाई पढ़ाई कर दिया ना, कहते भैया कौन सा बड़ी मार, तुमने तीर नहीं मार दिए हो। विचार करके देखोगे जानवर तुमसे श्रेष्ठ है। लेकिन फिर ये मानव शरीर को इतने दुर्लभ क्यों बताया? बोले एक कारण है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान राम स्वयं कहते हैं साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, केवल इसी इंसान जीवन में ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। 84 लाख जन्म में बताओ तो ये इंसान के सिवाय कोई राम राम कृष्ण कृष्ण बोल सकता है क्या? कोई नहीं बोल सकता है। ये दोनों हाथ जो ठाकुर जी दिए हैं, केवल इन्हीं दोनों हाथ से ही ठाकुर को सेवा कर सकते हैं और कोई सेवा नहीं कर सकते। एक ही दिल दिया है जिस दिल से हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। केवल 2 चरण दिया घर से यहाँ तक हम ये सत्संग में आए हैं। 2 ही कान दिए जिसको द्वारा भगवान की कथा सुन रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते परिखीर अगर ये मानव शरीर पा करके तुमने दुनिया की सारे कर्तव्यों को अच्छे तरह से पालन किया, बहुत बढ़िया तरह से शादीशुदा किया, लिखाई पढ़ाई किया, तुमने मकान दुकान सब कुछ तुमने बढ़िया करके बनाया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया ना, लास्ट में देखोगे तुमको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा लास्ट में? 0 मिलेगा, और कुछ जीवन में मिलेगी नहीं। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में जब शरीर छूट जाती है अंतिम समय में, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा अगर जीवन में तू राम और कृष्ण का नाम लिए हो केवल उतना ही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया है केवल झूठे में तुमने बिताया। यहाँ के एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही है। पत्नी जाएगा, जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, आगे नहीं चलेगी। परिवार जाएंगे तो शमशान तक जाएंगे, उसको आगे कुछ चलने वाले नहीं। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे साथ करो
कृपा करे आपनायो पायो जी मैं राम रतन धन पायो पायो जी मैं राम रतन धन पायो श्री नाम संकीर्तन की ये क्या करनी चाहिए भगवान की नाम जप करनी चाहिए भगवान की कथा भगवान की भक्ति करनी चाहिए तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित कहते अकामा सर्व काम वा वक्ष्य काम उदार दी तिप्रेण भक्ति जोगेना जजेत पुरुषम परम। देखो बहुत अच्छी बात कह रहे ध्यान देकर सुनो कि जिसको धन चाहिए ना कहते माँ लक्ष्मी की पूजा करो घर में धन की कृपा होगी लक्ष्मी और जिसको विद्या चाहिए किसको पूजा करनी चाहिए कहते सरस्वती माँ को पूजा करो घर में विद्या आएगी हैं जिसको शरीर में बल चाहिए वो हनुमत लाल को हैं उसको पूजा सेवा करते हैं और जिसको बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए कहते वो अदिति माँ को पूजा करे उनको उपासना करे तुमको बढ़िया बढ़िया भोजन की प्राप्ति होगी हैं जो लोग बड़े सुंदर शरीर चाहते हैं सुंदर शरीर कहते अश्विनी कुमार को कार्तिक को उपासना करो बड़े सुंदर शरीर मिलेगा जिसको सुंदर स्त्री चाहिए बल्कि उनको गंधर्वियों को उपासना करने पर उनकी कृपा से सुंदर स्त्रियां मिलती हैं तो उन्होंने जिनको रिद्धि सिद्धि चाहिए बल्कि गणेश जी की पूजा करो जीवन में रिद्धि सिद्धि मिलेगा जब उन्होंने एक एक चीज को पाने के लिए उन्होंने एक एक देवता का नाम ले रहे थे इतने में से परीक्षित महाराज बीच में प्रश्न करते हैं बोले महाराज जी आप क्या कह रहे हो एक एक चीज को पाने के लिए एक एक देवता को पूजा करो बोले हाँ बोले आपका लिस्ट में ऐसे कोई एक देवता क्या है जो एक देवता को पूजा करो सब कुछ मिल जाए सुंदर स्त्री भी मिल जाए घर में धन दौलत भी मिले बढ़िया पति भी मिले हैं घर में शांति सुख रिद्धि सिद्धि वैभव विद्या सब मिल जाए ऐसे कोई ठाकुर है तुम्हारी लिस्ट में बोले हाँ ऐसे एक ठाकुर है बोले वो कौन है बोले अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दी जिसको कोई भी कामना वासना नहीं जिसको सब कुछ चाहिए जिसको यहाँ तक भी जो जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल से मुक्त होकर के भगवान को धाम को जाना चाहते हैं उनको किसको उपासना करनी चाहिए बोले भगवान श्री बांके बिहारी को पूजा करनी चाहिए श्री बांके बिहारी जी को पूजा करनी चाहिए जिनको पूजा करने से सब कुछ तुमको मिल जाएगी। देखो ध्रुव महाराज किसकी भक्त है भगवान की भक्त है अम्बरीश महाराज किसका भक्त है भगवान की भक्त है प्रहलाद महाराज भगवान की भक्त है बोले श्री भरत महाराज बोले भगवान की भक्त है युधिष्ठिर महाराज वो भी कृष्ण के भक्त हैं देखो जितने कृष्ण के भक्त हैं ना सब महाराज राजा नहीं ये कौन है इनका नाम महाराज हैं ये सब के सब महाराज है इसलिए द्रौपदी किसकी पत्नी थी द्रौपदी पंच पांडव की वो जो द्रौपदी थी ना वो अजन्मी संभवा थी उस समय वो मिस यूनिवर्स थी विश्व सुंदरी थी और जो सुभद्रा देवी वो भी कृष्ण की बहनी थी वो बड़ी सुंदर थी सारा दुनिया उसको पाने के लिए चाहते थे लेकिन कृष्ण ने कहा भैया भक्ति से ही आपको सब कुछ प्राप्ति होगी। उदाहरण देते हैं जगत में 33 करोड़ देवता है आप बताओ कितने देवता को मनाओगे आज एक देवता को मनाओ दूसरे दिन दूसरा देवता मुंह फुला कर बैठ जाएगा फिर तीसरा को मनाओ चौथा मुंह फुला कर बैठ जाएगा लेकिन कृष्ण ऐसे के देवता हैं उदाहरण देकर के समझाए जैसे के पेड़ है अगर पेड़ का जड़ में पानी दोगे ना फिर आपको कहीं पानी देने का जरूरत नहीं अगर तुम पेड़ का जड़ में पानी नहीं दोगे पत्ते में पानी दोगे टहनिया में पानी दोगे फल में पानी दोगे फिर वो पेड़ जिंदा रहेगा बताओ लेकिन तुम्हें कहीं पानी देने का जरूरत नहीं केवल जड़ में पानी दे दो ना पूरा ये पेड़ हरा भरा रहेगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण ऐसे के देवता है जिसको भक्ति करने से जिनकी पूजा करने से अनंत करोड़ देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए कहते हैं ना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा
करे सब कोई। इसलिए कृष्णा अर्जुन को उन्होंने विराट रूप दिखाया। ध्यान देकर सुना, उन्होंने विराट रूप दिखाया, बोले अर्जुन तू देख मैं कौन हूं, जिसको तू शंकर कहते हो देखो वो शंकर मेरे अंदर में ही है, जिसको तू माँ देवी बोलकर पूजा करती हो देखो वो देवी मेरे में ही है, जिसको तुम गणेश मान करके पूजा करते हो देखो ये गणेश मेरे में ही है, जिसको तुम हनुमान मान करके पूजा करते हो वो हनुमान मेरे में ही है, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण बोलकर पूजा करते हो देखो अर्जुन विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में। जब हम कृष्ण को चरण में प्रणाम करते हैं क्या होता है, ये 33 करोड़ देवता के चरण में अपनी आप तुम्हारी प्रणाम हो गया, अपनी आप प्रणाम हो गया। अगर कृष्ण खुश हो गए ना विश्व ब्रह्मांड अपने आप खुश हो जाएंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किसकी भक्ति करो, श्री बांके बिहारी जी को भक्ति करो, जिनकी भक्ति से सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी अभी सृष्टि की वर्णना कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए, भगवान ब्रह्मा जी को आदेश दिए ये सृष्टि का धीरे धीरे क्रम बढ़ाओ, तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम उन्होंने चतुष्पद को सृष्टि की। बोले भगवान का निर्देश है ये संसार का क्रम को बढ़ाओ। बोले पिताजी ये घर गृहस्थी बड़ा दुखमय है, हम तो ये माया के संसार में फंसना नहीं चाहता। बोले भगवान का निर्देश तू मना कर रहे हो, शादी नहीं करोगे, बोले नहीं, बोले शादी नहीं करोगे ना मैं अभिशाप देता हूँ, जैसे जन्म हुए ना सारा जीवन ऐसे ही बने रहो। बोले पिताजी ये थोड़ी अभिशाप नहीं तो बरदान है, क्योंकि संसार का सारे बोझ किसको ऊपर, बोले बड़े लोगों को ऊपर, बच्चे लोग तो मस्ती से खेलते कूदते रहते हैं। इसलिए जो चतुष्पद है कहते कृष्ण कथा मात्र ही जीवन, इनका जो जीवन है कृष्ण कथा ही इनका जीवन है। फिर उन्होंने श्री कर्दम ऋषि को सृष्टि की, जब कर्दम ऋषि को सृष्टि की फिर उन्होंने 10 संतान को जन्म दिया, फिर उन्होंने श्री भोले बाबा को भी उन्होंने जन्म दिया। बोले शंकर जी को बोले तुम भी सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, लेकिन शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम, हर समय वो जोगी जोगी महाजोगी हर समय प्रभु का भजन में मस्त रहते हैं। शंकर जी का भी इच्छा नहीं थी, बोले पिताजी का अगर आदेश नहीं पालन करूंगा फिर घुसा नहीं करूंगा। तब उन्होंने भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा ये कोई सृष्टि ना संहार कर रहे हो, जरूरत नहीं इसे सृष्टि करने का। बोले बहुत बढ़िया हुआ। फिर उन्होंने मन और सत्रुपा को सृष्टि की और यहीं से धीरे 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 ये संसार का सृष्टि हुई। उन्होंने 2 बेटे और 3 बेटियों को जन्म दिया। बोले 2 बेटे कौन है, बोले उत्थान पात और इनके प्रिय व्रत, और 3 बेटी आकुति देहूति और प्रसूति। यहीं से ही धीरे 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 ये सृष्टि हुई। इसलिए हम लोग श्री मनु महाराज से सृष्टि हुई है, इसलिए हमको क्या कहते हैं, हमें मानव कहलाते हैं। क्या कहते हैं हमको, क्यों, ये मनु महाराज से हम सृष्टि हुए। लेकिन हमारी साइंस क्या कहता है, कहता हमारे जितने पूर्वज ना, डार्विन का थियोरी है, हमारे जितने पूर्वज ये सब के सब बंदर थे, और ये बंदर धीरे धीरे इनका पूछ कटते 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 के जब खत्म हो गया फिर हम ये इंसान बन गए। लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं अगर इसका पूछ कटते कटते इंसान हो गए, अभी तो बहुत सारे बंदर इधर उधर घूम रहे हैं, पर ये क्यों इंसान नहीं बन जाते हैं। इसलिए भैया बंदर से कभी इंसान बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम कहाँ से सृष्टि हुए हैं, हम श्री भगवान की संतान ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मनु, और मनु से धीरे 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 ये मानव हुए। इसलिए हम कहते हैं ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस्त सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसलिए यहाँ पर माता देहूति की कथा आती है। जब देवति की शादी श्री कर्दम ऋषि को साथ में हुई, जब कर्दम ऋषि को साथ में हुई
इतने में श्री मनु महाराज ने ये माता देहूति को समझाए। देखो ध्यान देकर दे, जितने माताएं ध्यान देकर सुनो, ये मनु महाराज अपना बेटी को क्या समझा रहे, बोले देख बेटी तेरे ऊपर है ना, ये पिताजी का कुल और ससुर ये दोनों परिवार तेरे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम अपना ससुर घर में जा करके हैं, अगर तुम बढ़िया से अगर सभी की सेवा करोगे, सही सही रहोगे ना, फिर सास ससुर दुनिया क्या कहेंगे, कितना सुंदर बेटी को पिता माता ने कितने सुंदर सिखा दी है। अगर जाकर के कुछ उल्टा पुल्टा करोगे ना, फिर क्या होगा, बोले कि बेटी को ऐसे सिखा दिया है, हाँ उसको पिता माता ने ऐसे, इसलिए तेरे हाथ में ना ये दोनों कुल तेरे ऊपर निर्भर करता है, हाँ तेरे ऊपर में ये कुल का निर्भर तेरे ऊपर करता है। और जो माता है ना, इनकी लक्ष्मी स्वरूप बने इनको बताई गई। अगर घर का स्त्री, अब देखना घर में ये स्त्री, कोई कोई स्त्री घर में शादी होते ही आप देखना घर की धन दौलत अपने आप बढ़ो तो अपने आप बढ़ने लग जाती है अपने आप। क्यों, स्त्रियों को लक्ष्मी स्वरूप बताई। अगर स्त्री अगर कोई दुराचारिणी हो गई, उल्टा पुल्टा हो गई, फिर तो वर्ण संकर जन्म लेते हैं। वर्ण संकर जानते हो है? अगर जो परिवार में अपना जन्म हुई है, हमें जिस परिवार में जन्म हुई है, अगर उल्टा पुल्टा संग होना, फिर वो जाति धीरे धीरे जाती धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसलिए श्री मनु महाराज बहुत अच्छे तरह से बेटी को समझा करके अपना ससुर घर में भेजते हैं। ऐसे कोई काम नहीं करना जैसे पिता माता के ऊपर में ससुर घर वाले कोई अंगुल उठाए, अच्छे तरह से समझा कर भेजते हैं, जा करके घर को अच्छे तरह से तुम संभालना। फिर जब श्री साधी श्री हो गए, किसको साथ में, कर्दम ऋषि को साथ में, जब शादी हुई फिर वो शादी को बाद में फिर वो भजन में बैठ जाती है। भजन में बैठने पर पति अभी भजन में बैठी गए, अभी पति भोजन नहीं कर रहे हैं, पति स्नान नहीं कर रहे हैं, उसने अपना पति व्रता धर्म को साथ में उन्होंने पति को काय मन वाक्य से उन्होंने सेवा दी। 10,000 साल के बाद में उनका जब ध्यान टूटा, उन्होंने भूल गए उन्होंने कभी शादी भी किया था। देखा सामने एक टोकरी है, क्योंकि माता देहूति पति की सेवा करते 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 पति भोजन नहीं कर रहे, पत्नी कैसे भोजन करेगा, नियम क्या है, ऐसे नहीं भोजन बनाया पति को खिलाया नहीं, परिवार को खिलाया नहीं, खुद चट कर लिया, कर नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। और उसकी केस में जटाजुट हो गया, जटाजुट क्यों हो गया, पति श्रृंगार नहीं कर रहे, पति स्नान नहीं कर रहे, ये कैसे स्नान और श्रृंगार करेगी। इसलिए पति व्रता धर्म को पालन करते हुए उसने बूढ़ी और जटाजुट हो गई। देखो यहाँ पर स्त्रियां जो श्रृंगार करती हैं क्यों करती हैं बता, मैंने अपना घर में देखा है, मेरी माताओं को कभी सवेरे श्रृंगार करते हुए कभी नहीं देखा, माताएं जो श्रृंगार करते थे शाम को, ये शाम को श्रृंगार, बोले क्यों, पति दिन भर काम में जाते हैं और पति कब आएगा काम करके, शाम का आएगा। पत्नियां जो श्रृंगार करती हैं किसको दिखाने के लिए, वो दूसरा पुरुष को दिखाने के लिए वो श्रृंगार नहीं करती हैं। और एक चीज आप लोग बुरा मत मानो, कहते जो माताएं सर पर कपड़े ओढ़ते हैं क्यों, ये हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, ये माताएं क्यों सर पर कपड़े ओढ़ते हैं, कहते हमारी जो सुंदरता दूसरे पुरुष के लिए नहीं, केवल हमारी सुंदरता अपना पति के लिए है। इसलिए हमारे भारतीय जो नारी है वो क्या करते हैं, सर के ऊपर में हर समय कपड़े ढक करके रखती हैं। और ये भी सिखा दिया शादी से पहले लड़कियों को ज्यादा श्रृंगार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो रावण उठा करके ले जाएगा, जैसे सीता का रावण उठा करके ले गया ना, मना करती हैं शादी से पहले जितना जरूरत उतना करो, ज्यादा दिखाने के लिए मत करो, नहीं तो लक्ष्मण रेखा को पार करोगे तो दूसरा रावण तुम्हें कहीं उठा करके ले जाएगा। इस वो हमारी ये भारतीय संस्कृति हमें ये शिक्षा प्रदान करती है। और देखो जो स्त्रियां पति व्रता धर्म को जाजन करेगी, देखो ये पति व्रता धर्म में कितना शक्ति, देखो जब कर्दम ऋषि ने पत्नी को देखा ये बूढ़ी बन गई और जटाजुट हो गई, बोले बताओ तुमको क्या चाहिए, बोले शादी से पहले भगवान से उन्होंने 2 वर मांगे थे। पहला वर था, कहते तब तक मैं रहूंगा जब तक मेरे संतान नहीं हो जाए, संतान को बाद में फिर मैं भजन करने के लिए चला जाऊंगा। दूसरा वरदान था, आप अगर मेरे बेटे बन करके आओगे फिर मैं शादी करूंगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा।
भगवान स्वयं बताए मैं तेरे बेटे बनकर के आऊंगा। तभी उन्होंने शादी की है, तभी उन्होंने शादी की। इनके पतिव्रता धर्म से संतुष्ट होकर के बोले जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करते ही वो पहले जितने सुंदर थी ना उससे भी अद्भुत सुंदरी बनकर के आई। हजार दास दासियां प्रकट हुई वहां पर। उन्होंने बड़े सुंदर राजभवन बनाए और एक विमान बनाए जिसका नाम था कामक विमान। कामक विमान मतलब है जैसे बोलोगे वैसे उड़ेगा, हैं? उसमें पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं और एक साथ में 6 ऋतु बहती हैं, जिसमें बैठने पर तुम्हें भूख प्यासा नहीं लगेगी, हैं? और जिसमें कभी ठंडा गर्मी नहीं और जिसमें बैठोगे ना कोई बूढ़ा बूढ़ी भी नहीं होगा। ऐसे अद्भुत उन्होंने विमान बनाए और विमान में बैठ करके आकाश में भ्रमण करते रहे। बड़ा सुंदरी उनको नाथ बैठी हुई। कर्दम ऋषि ने कहा देवत देवती अभी तो खुश हो गई, नौ बेटी हो गई। बोले नहीं, ये बेटिया तो शादी करके अपना पीहर चली जाए, अपना ससुर घर चली जाएगी, अभी मेरे साथ में कौन रहेगा। फिर उन्होंने पति की सेवा की तो ठाकुर जी स्वयं श्री कपिल मुनि रूप में ठाकुर जी जन्म लेते हैं। बोले कपिल भगवान की, बोले श्री कपिल भगवान की। अभी बोले घर में अगर बेटी हो सबसे पहला कर्तव्य है बेटियों को पहले शादी दिलवा। आप लोगों ने बेटियों को शादी करवाया है? कौन कौन शादी करवाया बेटियों को? आप देखना घर में जब एक बेटी की शादी हो जाए ना घर खाली हो जाती है, लेकिन इनकी घर में 9 बेटियां हैं। अभी 9 बेटियों को शादी करना कोई साधारण बात है, लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं कितना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अगर आप भगवान की भक्ति करोगे ना ठाकुर जी सब कुछ व्यवस्था कर देंगे। जैसे नरसिंह भगत थे वो दिन रात प्रभु का भजन करते थे। अभी घर में बेटी है, अब ये बेटी को शादी कौन करवाएगा? ठाकुर जी स्वयं, हैं? ठाकुर जी स्वयं साबरिया सेठ बन करके गए और इतने धूमधाम से शादी कराए। बोले करोड़पति भी ऐसे शादी नहीं करा सकता है, इतने सुंदर शादी। अभी 9 बेटी की शादी कैसे होगी? एक दिन ब्रह्मा जी अपना 9 बेटों को लेकर के आए, देखा भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी, 9 बेटे और 9 बेटी। बोले भैया शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को तो शीघ्र कर देनी चाहिए। तो उन्होंने एक साथ में 9 बेटियों को उन्होंने एक साथ में शादी करा दिया, बस घर खाली। अभी कर्दम ऋषि भजन करने के लिए चले गए। बोले भैया किसको भजन करने जा रहे हो? बोले भगवान को। बोले भगवान तो तेरे घर में बैठे हैं, ठाकुर जी तेरे तुम्हारी घर में तो भगवान बैठे हैं ना, फिर तुम भक्ति करने के लिए किसको जा रहे हो? तब यहाँ शिक्षा देते हैं जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, जब तक साधन नहीं करेंगे ना, भगवान स्वयं भी सामने आ जाए कोई हमारी लाभ नहीं होगा। जैसे रावण ने राम को देखा कि नहीं बताओ? रावण ने राम को देखा कि नहीं? लेकिन उसने क्या किया? भगवान के साथ में लड़ाई किया ना। मेघनाद ने प्रभु राम को देखा कि नहीं? देखा ना। लक्ष्मण को ऊपर में शक्ति सेल की प्रहार की और उनका नाक फांस बंधन में बांध दिया है। अभी कंस ने कृष्ण को देखा कि नहीं? देखा है ना। फिर क्या किया? कृष्ण को मारने के लिए कोशिश किया। शिशुपाल दत्त वक्र ने कृष्ण को देखा कि नहीं? शिशुपाल तो कृष्ण सामने खड़े हुए, गाली को ऊपर गाली, 101 गाली उसने निकाला। यहाँ शिक्षा देते हैं जब तक हम साधन नहीं करेंगे, जब तक हृदय में हमारी प्रेम प्रकट नहीं होना, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाने पर भी हमारी कोई लाभ नहीं है। इसलिए ठाकुर जी घर में रहते हुए भी उन्होंने भजन करने के लिए चले गए। घर में केवल 2 व्यक्ति, माँ और बेटा। लेकिन माँ को पता मेरा बेटा साक्षात भगवान। एक दिन माँ अपना बेटे को पास में आकर के हाथ जोड़ करके कहती, बेटा तू तो भगवान हो, मैं तो स्त्री जाति में जन्म लिया, मेरा मन बड़ा चंचल है, बताओ मेरी कल्याण कैसे होगी। यहाँ शिक्षा देते हैं ये ज्ञान ऐसे की चीज है जहां पर ये ज्ञान होना उसको सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं। कहां पर माँ अपना बेटे को पास में ज्ञान की बात पूछता है, कहा बेटे को माँ से सुननी चाहिए। लेकिन शिक्षा देते हैं ज्ञान की इतने महिमा, तब भगवान स्वयं
अपना माँ को उपलक्ष्य करके उन्होंने दिव्य ज्ञान बताए। बोले माँ कि जो मन है यही मुक्ति का कारण है और यही बंधन का कारण है। जब ये मन को हम भगवान की भक्ति में लगा दे यही मन मुक्ति के कारण बनेगी, लेकिन यही मन को जब हम विषय में लगाएंगे फिर ये बंधन का कारण बनेगा। इसलिए माँ एक काम करो, ये मन को तुम ठाकुर जी के चरण में लगा दो। बोले बेटा बोलना जितना सहज करना इतना सहज नहीं। कद ये मन इतना चंचल है, कृष्ण स्वयं कहते हैं, यहाँ पर अर्जुन स्वयं कहते हैं, प्रभु चंचल ही मनम कृष्ण प्रमाद ही बलवत दृढ़। कहते बाई को हम कंट्रोल कर सकते लेकिन मन को नहीं। ये मन एक सेकंड में ये सारा दुनिया घूम करके आ जाता है, इसलिए ये चंचल मन को कैसे भजन में लगेगा। बोले माँ केवल एक ही उपाय है, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। केवल एक उपाय, तुम संतों का संग करो, केवल सत्संग से ही जीव का परम कल्याण होता है। तब भगवान ने माँ को बोले माँ ये भक्ति ऐसे ये चीज है ना, ये निकृष्ट निकृष्ट कुल में क्यों जन्म नहीं हो। अगर वो भगवान की भक्ति करता है सारा दुनिया में उसको सर्वश्रेष्ठ बना देता है, लेकिन भले ही ब्राह्मण कुल में क्यों जन्म नहीं हो, उसको बार गुण युक्त क्यों नहीं हो, लेकिन अगर प्रभु की भक्ति नहीं करता है, दूसरों को किया अपना का जीवन ही कल्याण नहीं कर सकता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उसका कितना पीढ़ी उद्धार हो जाते हैं। बोले कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरि पितरेषां जैसाम कुले वैष्णव नाम अधेयम। हाँ ध्यान देकर सुना मांगता है, अगर वंश में एक बेटा अगर प्रभु का भक्ति में लग जाए, एक व्यक्ति भजन में लग जाए, उनका कितना पीढ़ी उधार हो जाते हैं। बल्कि उनकी 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं। जो पूर्वज लोग पहले चले गए, जो लोग पहले चले गए, जब देखते हैं उनका वंश में एक व्यक्ति भजन कर रहा है, भक्ति करते हैं, बोले नृत्यन्ति स्वर्गे, वो हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देते हैं। हमारी अहोभाग्य है, हमारी वंश में भक्ति करने वाला बच्चा जन्म लिया। कहते वसुंधरा वसतिश्च धन्या, जिस पृथ्वी को ऊपर में वो बच्चा जन्म ग्रहण करता है वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है, और जो पिता माता वो बच्चे को जन्म देते हैं ना, वो पिता माता का कोख भी धन्य हो जाती है जब गर्भ में कोई बच्चा भगवान की भक्ति करे। एक बार सब हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे सब ध्यान दे कृष्णा। कहते एक बेटा अगर प्रभु का भक्ति करते 21 पीढ़ी उधार हो जाएगा, लेकिन अगर बच्चा अगर गलत रास्ता पर चला गया तो फिर क्या होगा। बल्कि उसका जो दुष्प्रभाव पिता माता को भोगना पड़ेगा। हाँ दुष्प्रभाव पिता माता को भोगना पड़ेगा है। इसलिए पुराण में एक कथा आती है, बोले एक समय कोई एक योगी भ्रमण करते करते स्वर्ग में पहुंचा। स्वर्ग में पहुंच करके देखा एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया और रत्न सिंहासन में बैठा हुआ। स्वर्ग में अप्सरिया उसको चांबर भजन कर रही थी, लेकिन वो स्वर्ग में बैठी बैठी करके रो रहा था, दुखी हो रहा था। बोले भैया तू इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आए हो पर यहाँ पर दुखी क्यों हो रहे हो। बोले देखो मैंने बहुत पुण्य कर्म किया इसलिए स्वर्ग में आया, लेकिन मेरे से एक गलती भी हो गई। बोले क्या गलती हो गई। बोले मैंने बच्चों को सदमार्ग नहीं दिखाया, बच्चों को मैंने भक्ति मार्ग नहीं दिखाया, इसलिए मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था, कमा करके छोड़ करके आया था, बच्चे अभी उसी पैसा से शराब पी रहे हैं, उसी पैसा से जुआ खेल रहे हैं, उसी पैसा से सिगरेट फूंक रहे हैं,
चूंकि पैसा कौन छोड़ करके आया था, ये पैसा किसकी थी, ये पैसा मैंने कमाया, मैंने ये पैसा कमा करके छोड़ करके आया, इसलिए उसको वो गलत काम में लगा रहे हैं, उसका पाप कर्म अभी मेरे को ये स्वर्ग में भी नहीं छोड़ता है। इसलिए शिक्षा देते हैं, देखो बच्चे को जन्म देने का साथ साथ ये निर्भर नहीं करता तुम बच्चों को कितने पैसा देकर गए हो, ये बड़ी भारी बात नहीं है, बच्चे को तुमने कितने पैसा देकर गए हो ये बड़ी चीज है, बच्चे को तुमने कितने संस्कार देकर गए हो, कितने तुमने संस्कार देकर गए हो। करोड़ रुपया अगर बच्चे के लिए कमा कर गए, कल मैंने बता रहा था ना जुआ खेल करके आईपीएल जो क्रिकेट खेल रहे थे, एक मिनट में सारे पैसा को फूंक दिया, गया कि नहीं सारा पैसा तुम्हारे। इसलिए निर्भर है बच्चों को कितने तुमने संस्कार देकर गए, ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए कोशिश करो बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए, बच्चे भगवान की भक्ति करें, अच्छे संस्कारी बने। इसलिए यहां पर श्री भगवान ने कहा माँ ये जीवन पा करके जब भगवान की भक्ति करोगे तब ये जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अनिरुद्ध प्रभु जी यहाँ पर है, अनिरुद्ध कहाँ है, हाँ इधर आ जाओ, तो कहाँ है, कहाँ है, इधर इधर आ जाओ। हरे कृष्णा। देखो हम बीच बीच में किस किसी बच्चों को बुला बुला करके हम भगवान की कथा सुनाते हैं, इसलिए जैसे आप लोग अंदर में भी भावना आए हमारी बच्चे भी अच्छे बने, हमारे बच्चे भी संस्कारी बने। जिस घर में बच्चे भगवान की भक्ति करते हैं ना, कभी वो घर नहीं, कभी वो घर नहीं, कभी ये घर भगवान की धाम बन जाता है। घर क्या बन जाता है, भगवान की धाम बन जाता है, हैं? तभी पिता माता पैसा कमा कर किसके लिए रखते हैं, बच्चे के लिए रखते हैं ना। अगर बच्चे अगर तुम्हारे बिगड़ गए समझो, सब कमाना धमाना सब बेकार हो गया। अगर बच्चा अगर सही हो गया है ना समझो, तुम्हारी कमाना धमाना सार्थक बता हो गया। इसलिए हमारी मंदिर में हैं, हमारे यहाँ जनार्दन प्रभु और यहाँ पर हमारे तपन प्रभु दो वैष्णव रहते हैं, इसलिए यहाँ पर बड़े छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। इसलिए रोज जो बच्चे कथा सुनाते हैं ना, उनको भगवान की कथा सिखाते हैं। बोले पढ़ाई भी करो उसको साथ साथ में भगवान की भक्ति भी करो, दोनों जैसे बढ़िया रूप में चले हमारे बीच में। अभी हमारे ये प्रभु जी भाई, देखो ये प्रभु इनका नाम श्री अनिरुद्ध प्रभु जी है, ऐसे मत समझो ये साधारण बच्चे नहीं, ये बहुत अच्छा नौकरी कर रहा है। बताओ तो तुम क्या करते हो, क्या काम नहीं कर रहा भाई, काम नहीं कर रहा, कर रहा है। जोर से बोलो उसको, शाम को सब तेज कर दो, देखो बोलो उसको, हरी बोल। देखो इसको पूछो ये क्या कर रहा है, बताओ तुम क्या करते हो, बोलो जोर से बोलो, राधे राधे बोलो, वृंदावन में डोलो, हरी बोल। इसको पढ़ा तू, क्या पढ़ाई किया और क्या काम कर रहे हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और इनकी इनकी जो तनख्वाह है ना, लेकिन लाख रुपया की तनख्वाह है, इसका लाख रुपया तनख्वाह, लेकिन करते हुए भी भगवान की भक्ति करता है। ऐसे नहीं लफे के बच्चे जैसे हैं, इसी उम्र के बच्चे बताओ, अगर किसका अगर इसी उम्र के बच्चे होंगे, अभी आपको पता होगा बच्चा अभी क्या करता होगा। लेकिन जब संतों का संग करते हैं, देखो ये रंग कितने बढ़िया रंग है, अगर संतों का संग करोगे ना, यहाँ पर बैठ कर भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा बोलेगा। कल ये बच्चा कथा सुनाया था ना, कितना सुंदर कथा सुनाया था, आप भी ध्रुव जी का कथा सुनाएगा अभी। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, जो लोग आए उनको बैठने का स्पेस मिल जाए, माता जी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, सभी आगे आ जाएं, सभी थोड़ा आगे हो जाओ सर, भैया माता बहन सब आगे हो जाओ। गुरुदेव का आदेश है, माताएं तो बर्फ जैसे जम गई है, कोई तो खिसक नहीं रहे, कोई खिसक नहीं रहे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य, थोड़े आगे आगे आ जाओ, कुछ लोग बैठ सकते हैं। ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं जेन तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय करालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बार जोर करके बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि अर्पण प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत कोटि अर्पण प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत करूँ। गुरु जी ने आज्ञा दी है थोड़ी बहुत हरी कथा सुनाने के लिए। अभी हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ, अभी गुरुजी ने आज्ञा दी है थोड़ी हरि कथा सुनाने के लिए कि किस प्रकार अभी जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो किस प्रकार ये जो भक्ति भजन, ये जो भारतीय संस्कृति है, उसका वो पालन करें और भक्ति भजन भी अपने जीवन में साथ साथ कर पाए। क्योंकि अभी का जो एजुकेशन, जो हमारा जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर स्कूल कॉलेजेस के अंदर तो ये सब भक्ति की बातें बताई नहीं जाती। हाँ, स्कूल के अंदर तो ये सारी बातें भक्ति भजन की बताई नहीं जाती। सारी बातें बताई जाती है कैसे पैसा कमाया जाए, हाँ, कैसे धन को कमाया जाए, कैसे अब तुम्हारा नाम हो, बस पैसा पैसा और पैसा। कुल मिलाकर के क्या है कि जो पूरी विद्या का जो अर्जन आजकल स्कूल कॉलेजेस में होता है उसका क्या मतलब है, अंत में क्या आना चाहिए? जोर से बोलिए, पैसा। पैसा अगर नहीं आया तो बोलते बच्चे की सब पढ़ाई बेकार। लेकिन जब पैसा मिल जाने से वास्तव रूप में क्या सुख आ सकता है? देखो अमेरिका, अमेरिका सबसे रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज अमेरिका। सबसे पावरफुल देश कौन सा है अभी फिलहाल? अमेरिका सबसे पावरफुल देश है। आपको पता है अमेरिका के अंदर 70 मिलियन पीपल मतलब कितने हो गए, 7 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो बिना रात को नींद की गोली खाए नहीं सो सकते। जब तक रात में नींद की गोली नहीं खाएंगे वो सो नहीं सकते। ये उन्हीं की ही कंट्री की जो डेटा मैं बता रहा हूँ आपको, उन्हीं की कंट्री का डेटा। जब तक रात में नींद की गोली नहीं खाएंगे ना वो सो नहीं सकते। तो क्या बताओ, ये जो पैसा है, ये धन है, जो सुविधा है, अच्छी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हाँ, बड़े बड़े पद, क्या ये हमको सुख दे सकते हैं? अगर दे सकते हो तो उनको मिल चुका होता ना, उनको नहीं मिला। लेकिन भारत में देखो, भारत में देखो लोग सादा जीवन जीते हैं, हाँ, ज्यादा अभी भी इतना बेकार नहीं हुआ है यहाँ पर। भारत में कितना सुलभ है, जो नींद की गोली वो जो अमेरिका के अंदर इतनी मुश्किल से बेचारे रात को परेशान होते हैं, नींद की गोली खा करके सोते हैं, भारत में देखो कथा में आओ 10 मिनट में सो जाते हैं। लेकिन कृपा, ये देखो तो मजाक की बात है, लेकिन अगर नहीं, अगर ये जो हमारा, अगर हम इतना भी हमारे जीवन में कि भाई हम सो सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। वहां तो नींद दुर्लभ हो गई है, पैसे के पीछे भागते 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 भागते, क्योंकि ये जीवन क्यों मिला, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला, ये मनुष्य शरीर पा करके क्या करना था, ये तो पता ही नहीं, ये तो पता ही नहीं है। जब हम जान करके, जो हमारे बताए वेदांत सूत्र में अथाह को ब्रह्म जिज्ञासा, अरे भाई हम है कौन? किसी ने नाम रख दिया, किसी ने मेरा नाम अनिरुद्ध रख दिया, तो वो तो किसी ने रखा, अरे मैं कौन हूँ, ये तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं, तो मैं कौन हूँ? हाथ हूँ, पैर हूँ, सिर हूँ, मैं हूँ क्या, पता नहीं ना? या फिर ये शरीर मैं हूँ क्या, मैं हूँ? अगर कोई व्यक्ति ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये प्रश्न करता है Who am I? मैं हूँ कौन, तब तो उसका जीवन समझो ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, वरना सारी जिंदगी निकल गई। सारी जिंदगी निकल जाती लोगों की,
यही पता नहीं लगता कि भाई हम है कौन। इसलिए देखो मैं अपनी ही एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी से एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं फिफ्थ क्लास में आया ना, जहाँ मैं पढ़ाई करता था वहाँ फिफ्थ क्लास बोर्ड होती थी, बोर्ड क्लास। तो घर वालों ने बोला देखो बच्चों अभी तक जो तुम पढ़ाई कर रहे थे ना वो तो छोटी मोटी पढ़ाई थी, अब फिफ्थ क्लास कौन सी क्लास है? बोर्ड क्लास, बाहर से पेपर आएगा। हाँ अगर इसमें अच्छे नंबर लेकर पास हो गए ना, बस इसमें अच्छे नंबर ले आओ, समझो तुम्हारी लाइफ सक्सेसफुल होगी। हमने पढ़ाई करी फिफ्थ क्लास पास हो गए, बोले फिफ्थ क्लास तो बहुत छोटी क्लास है, अभी एट बोर्ड आ रही है। कौन सी बोर्ड आ रही है? एट बोर्ड। एट बोर्ड में अच्छे नंबर लाओगे ना तब तो कुछ बात बने, एट बोर्ड भी पास हो गए। फिर बोलेंगे फिफ्थ एट ये बच्चों वाली क्लास, अब आ रही है कौन सी बोर्ड? टेंथ बोर्ड। टेंथ बोर्ड में अच्छे नंबर भी लाओगे ना तो इलेवन ट्वेल्थ क्लास में सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे तो फिर तुम क्या करोगे आगे चल के? डॉक्टर नहीं बन पाओगे, इंजीनियर नहीं बन पाओगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, टेंथ क्लास की मार्कशीट पूरी लाइफ टाइम चलती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ होता है। क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ। टेंथ क्लास भी पास हो गई, फिर बोलते हैं टेंथ क्लास भी पास हो गई, फिर बोले टेंथ क्लास भी छोटी क्लास थी, ट्वेल्थ क्लास। क्यों? ट्वेल्थ क्लास में जब अच्छे मार्क्स लेकर के आते तब अच्छा कॉलेज मिलता है। हाँ एंट्रेंस एग्जाम होती है, पीटी पीटी आजकल तो एनआईटी हो गया, दुनिया भर के एग्जाम्स हो गए। जब वो पास करोगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ में इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टर जो भी बनना है, एमबीबीएस करोगे। जब ये सब कर लोगे तब जाकर तो कुछ बात बनेगी, तो फिर भैया तुमने ट्वेल्थ क्लास भी पास कर ली, फिर इंजीनियरिंग में भी एडमिशन हो गया। ये मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ। वो क्या बोल रहे हैं कि कर लो तुम्हारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। धीरे धीरे धक्का मार रहे हैं, 5, 8, 10, 12। कॉलेज भी हो गया, जब कॉलेज हो गया ना उसके बाद में बोला कि कॉलेज तो सारी दुनिया पढ़ाई करती है, जब तक नौकरी नहीं करोगे जब तक बात नहीं बनेगी। क्या करना पड़ेगा? नौकरी करनी पड़ेगी, जॉब भी लगती, अच्छी सैलरी भी हो गई। उसके बाद में बोल रहे हैं भाई नौकरी पढ़ाई लिखाई सारी दुनिया करती है, पैसा भी कमाते हैं, अब शादी करो तो बात बनेगी। है ना, ये तो असली कहानी, शादी करोगे तो बात बनेगी, शादी कर लो तो बोले बच्चे करोगे तो बात बनेगी, तब जाके सुखी हो जाओगे, बच्चे हो जाएंगे तो बोलेंगे बच्चों को पढ़ाओ सुखी हो जाओगे। अभी आप लोग सब कहीं ना कहीं एक स्टेज पर होंगे, है कि नहीं? हाँ बताओ, सब लोग इसमें किसी ना किसी एक स्टेज पर होंगे। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े जाएंगे तो बोलेंगे बच्चों की शादी करो, सच बात है ना ये, बच्चों की शादी करोगे तो सुखी हो जाओगे। ऐसे करते करते हम लोग सब किसी ना किसी स्टेज पर हैं, लेकिन देखो अभी तक क्या कोई सुखी हो गया कि हाँ बताओ? कि देखो हमारे घर वालों ने भी यही बात बोली थी, पढ़ लो लिख लो शादी कर लो बच्चे कर लो, बच्चे बड़े कर लो उनकी शादी कर लो तब सुखी हो जाओगे। क्या कोई सुखी हो गया? क्या नहीं हुआ? देखो कोई हाथ नहीं उठा रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। जब यही व्यक्ति करते यही सब बात मानते मानते दूसरों की बात, कि किसकी बात मान रहा है? समाज की, दूसरों की बात मान रहा है ना, मानते 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 जब यही व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है एकदम थका हुआ, जैसे गन्ने का जूस निकालते ना, एक बार दो बार तीन बार चार बार ऐसे ही, क्या दसवीं बोर्ड बारहवीं बोर्ड नौकरी पढ़ाई शादी बच्चे जूस निकलता जा रहा है, एंड में क्या हो जाता है? भूसा बन जाता है। क्या बन जाता है? उसके बाद उसको उठा करके चूल्हे में डाल देते हैं, बूढ़े को उठा करके बरामदे में बिठा देते हैं, देख नजर मार करोगे घुसना जाएगा। या फिर बच्चों को खिला, बूढ़ा बूढ़ी का यही काम है, छोटे बच्चे को लो जाके सत्संग में बैठ जाओ, बच्चे वहां शोर मचाएंगे तुम कथा सुनना, ठीक बात है ना ये? तब ये जब हो जाता है बूढ़े को बिल्कुल घर से बाहर निकाल देते हैं, वही बूढ़ा बेचारा इनमें परेशान होकर जब मर जाता है, जब उसको अर्थी पे चढ़ा देते हैं, जब अर्थी पे ले जाते हैं तब उसको एक बड़ी हरी बोल, हरी बोल भाई, जय भाई। सेल सेल भी सेल भी सेल नहीं डालने, सेल सेल डालो चढ़ा दिया। अर्थी पे चढ़ाने के बाद बोलते हैं ओ बूढ़े सुन ध्यान से,
देखो बोला था ना पांचवी बात सच्ची बात है सुखी हो जाएगा झूठ बोल रहे थे आठवीं वाली बात भी तेरे को झूठ बोल रहे थे अब बोलेंगे सर बारहवीं वाली बात भी तेरे को हमने झूठ बोली शादी तो महा झूठ बोला और बच्चे तो समझ ले भयंकर झूठ बोला अरे पता है राम नाम सत्य है बिल्कुल जब वो थोड़ा मर गया किसी काम का नहीं तब उसको ब्रह्म ज्ञान दे रहे क्या सत्य है राम नाम सत्य है मरने का बात दे रहे जिंदा को नहीं दिया खतरनाक है ये संसार इतना खतरनाक है कोई सच्ची बात बताता नहीं क्या कोई सच्ची बात बताया किसी ने कि तुम एक दिन मर जाओगे कुछ भी साथ में जाएगा नहीं संसार में सब लोग ऐसे लेकिन इसी संसार में कुछ ऐसे महापुरुष भी हैं जो जीव की दयनीय स्थिति को जान करके बीच बीच में आते हैं और बोलते हैं बच्चों ठाकुर जी का नाम कर लो क्या कर लो ठाकुर जी का ऐसे व्यक्ति कौन है गुरुदेव है बताया इसलिए गुरुदेव बोले थे ना संसार में सबसे बड़ा दानी जब वो माता जी कथा बोल रही थी बोले थे सबसे बड़ा दानी कौन है जो जीव को भगवान की ये कथा सुनाता क्यों किसी प्रकार ठाकुर जी को जीवन सब लोग संसार में बड़े दुखी है किसी प्रकार उनको ठाकुर जी की सेवा में लगा देना किसी प्रकार उनको ठाकुर जी की सेवा में लगा देना सबसे बड़ा दया है तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर एक सिद्धांत दिया एक भयंकर सिद्धांत आप लोग ध्यान से सुनो अगर कोई संसार में सुखी होना चाहता है इस जो मैं चौपाई सुना रहा हूं इसको ध्यान से सुनो तुलसीदास जी कहते हैं कमट पीठ जा मही बहु बंधम सुत बरु ताहु हिमारा फूल ही नभ बरु बहु विधि फुला जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला तुलसीदास जी कह रहे हैं कमट पीठ जामन बहु बारा अगर कछुए की पीठ पर से थोड़े कोमल सुनहरे बाल निकल करके आ गए कछुए की पीठ देखी किसी ने एकदम सख्त होती है उसमें कुछ नहीं लग सकता लेकिन वो कह रहा है अगर उसमें बाल लग गए तो इस बात को मैं मान लूंगा और किसी बांझ स्त्री के पुत्र ने किसी को मार दिया इस बात को भी मैं मान लूंगा आसमान से फूल लगने लगे कहां फूल लग रहे हैं फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला आसमान से विभिन्न प्रकार के पुष्प लगने लगे इस बात को भी मैं क्या फूल कभी हवा में लगते हैं नहीं लगते लेकिन इस बात को भी मैं मान लूंगा लेकिन जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला मतलब कोई जीव ठाकुर जी की भक्ति करे बिना सुखी हो गया इस बात को मैं नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा तुलसीदास जी ने इस बात को बोला और दूसरी इसी के आगे दूसरी जो भाई बोलते हैं बारी मते धृत होत बरु शिक्ता ते बरु तेल बिन हरि भजन भवन तरई यह सिद्धांत पेल बोलते हैं बारी मते धृत होत बरु और शिक्ता ते बरु तेल मतलब मैंने रेत को मथा रेत होती है ना रेत को मथा तेल निकल गया मैं बात तेल निकल गया कमाल हो गया रेत को मथा और तेल निकल गया लेकिन बिना हरि भजन करे कोई भव सागर से पार हो गया ये बात नहीं हो सकती तुलसीदास जी ने कितने रहस्य की बात बताई इसलिए हमारे जीवन में क्या करना चाहिए जहां पर भी हम हैं ये राम नाम की औषधि को हमारे जीवन में लाना पड़ेगा अभी गुरु जी बता रहे थे ना अगर हमारे घर में एक व्यक्ति भजन करता है एक व्यक्ति अगर एक बच्चा भजन में लग गया तो कितनी पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा 21 पीढ़ी का उद्धार चार काम बताए थे ना अभी चार काम याद हो गया ना तीन बताए थे यमराज नाम काट देंगे राधा रानी नाम चढ़ा देंगी और ब्रह्मा जी आरती का खाना बजाएंगे शिव जी पार्वती को एक बात बताते हैं अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति हरि भक्ति करता है शिव जी एक बात बता रहे हैं धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्य च वसुधा देवी यत्रस्यात् हरिभक्तः अगर कोई हरिभक्त है धन्य माता पिता धन्य उसकी माता धन्य उसके पिता धन्य कुल गोत्र धन्य धन्य च वसुधा देवी जिस धरती को उसने जन्म लिया वह धरती क्या हो जाएगी धन्य हो जाएगी कौन यत्रस्यात् हरिभक्तः अगर कोई भगवान का भजन करता है आजकल के जो लोग हैं ना जो छोटे बच्चे हैं देखो ये तो आप सब संस्कारी लोग हैं देखो माता जी लोग सब सिर पे पल्लू लेकर के बैठी सब भारतीय संस्कृति का पालन करती है
ये संस्कारी लोग हैं, सब इस बात को समझ जाएंगे। लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन, जो नए लोग पढ़े लिखे जो आएंगे ना, वो बोलेंगे तुम सब मन घड़ंत बातों को क्या कर रहे हो, मान रहे हो। ये सब नहीं होता है, ये सब केवल कहने सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर आप देखोगे ना धीरे धीरे जो चीज हमारे शास्त्रों में लिखी थी ना, सारी चीज साइंटिफिकली प्रूव होती जा रही है। क्या होती जा रही है? साइंटिफिकली प्रूव होती जा रही है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। गाय गोबर भारतीय संस्कृति तो इसी के आसपास है। किसके आसपास? गाय और गोबर नहीं, गो माता की सेवा। क्योंकि गाय को क्या बताया, गाय को क्या बोलते हैं? माता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? गाय सभी प्रकार की बीमारियों और सारी औषधि देने वाली, दूध उसका पवित्र, गाय का दूध पोषण करने वाला। हाँ, गाय के एक अर्थ से, गाय के मूत्र से सब तरह से औषधि बनती है। आपको सबसे रहस्यमय बात बताऊं, जो गाय का जो गोबर होता है उसका मुखला बना के, कंडे बना करके, अगर उसको जला करके, अगर उसी में देसी गाय का घी हम अगर डालते, क्या डालते हैं देसी गाय का घी डालते, जो धुआं निकलता है ना, वो धुआं क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? तो पहले के जो ऋषि, ये अभी साइंटिफिकली प्रूव हुआ 10-15 साल पहले, उन्होंने बोला ये धुआं जो होता है ना, जो हवन यज्ञ देखे आपने, जब हम घी डालते तो उसमें क्या बनती है? तो बताओ ये जो पहले के ऋषि मुनि थे, साइंटिस्ट थे कि नहीं थे? साइंटिस्ट थे कि नहीं थे? क्या जितने भारतीय, अभी तो मैंने देखा बड़ौत में बहुत सारी गाय यहाँ पर पालन होता है, तो क्या आप लोग साइंटिस्ट हो कि नहीं हो? हो ना, अब मानो चाहे मत मानो, लेकिन साइंटिस्ट आप हो, क्योंकि इस ये ज्ञान आपके अंदर में है। तुलसी पूजा, आप में से कितने लोग तुलसी पूजा करते हैं? सभी लोग ही लगभग तुलसी पूजा। तुलसी का बताया, एक एक जो हमारे जो तुलसी की पूजा भारत में लगभग सभी लोग करते हैं। देखो कितना बड़ा साइंस इसके पीछे छुपा हुआ है। तुलसी का पत्ते से लेकर जड़ तक हर एक चीज क्या है? औषधि है। 200 प्रकार की बीमारी तुलसी अर्थ से आप 200 प्रकार की बीमारी का इलाज कर सकते हो। तीसरा बताया, जहां पर तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के आसपास ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरियाज को खा जाते हैं। क्या करते हैं? हार्मफुल बैक्टीरियाज को खा जाते हैं। इसलिए तुलसी को कहां लगाते हैं हम लोग? कहां लगाते हैं? आंगन में। क्योंकि सब कोई भी चीज आएगी बाहर से, सबसे पहले कहां पर आएगी? आंगन में आएगी। इसे तुलसी को कहां लगाते हैं? आंगन में लगाते हैं। तीसरा बताया, जो तुलसी जो है ना, तो पत्ते, जो व्यक्ति तुलसी पत्ते का सेवन अगर कोई करे तो कभी जीवन में कैंसर नहीं हो सकता, ये भी साइंटिफिकली प्रूफ बात। और बताया, जो तुलसी का जो पौधा, देखो सबसे रहस्यमय बात बता रहा हूँ, आप में से कितने बच्चे 12वीं तक की या फिर कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं? हाथ उठाइए प्लीज। बच्चे जो 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ रहे, जो अच्छे से हाथ उठा पता तो लगे, ज्यादा बच्चे नहीं। फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है? फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसमें क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कुछ ही पेड़ ऐसे होते हैं जो रात में, सारे पेड़ दिन में तो ऑक्सीजन देते हैं लेकिन रात में क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। रात में क्या देते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन कुछ पेड़ हैं जो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, कुछ केवल थोड़े से पेड़ पौधे हैं जो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, जिसमें से तीन का नाम मैं बता देता हूँ, नीम, पीपल और तुलसी। भारत में इन तीनों पेड़ों की पूजा या फिर इनको हम लोग रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या हम लोग साइंटिस्ट हैं? है कि नहीं? तो आप सब अपने अपने सब साइंटिस्ट लोग अपने लिए ताली बजाओ। देखो भारतीय विज्ञान कितना महान है, कितना महान विज्ञान है, बहुत बड़ी बात है। देखने में छोटी लेकिन सोचो तो बहुत बड़ी बात। और तुलसी महारानी की तो बड़ी महिमा है, ये तो एक छोटी महिमा, ये तो बता रहे ना पेड़ पौधे दवाइयां तो बहुत छोटी। तुलसी की पूजा की तो इतनी मानता है, बोलते हैं यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्याधिकानी चानी तानी प्रणक्षयंती प्रजा श्रीणा पदे पदे। एक एक पद अगर हम तुलसी की परिक्रमा करते हैं ना, परिक्रमा, ब्रह्म हत्या गो हत्या के पाप तुलसी महारानी क्षमा कर देती है। क्या कर देती है? इसलिए मीराबाई बोलती है, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को खाली मने लागे वृंदावन को। आप लोग सभी लोग देखो, मीराबाई सबसे मांग रही है, सब देखो एक संत है ना, सबका कल्याण चाहते हैं, चाहते ना सबके कल्याण। मीराबाई बोल रही है, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा
घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, तुलसी ठाकुर पूजा, ठाकुर जी की सेवा, तुलसी जी की सेवा, सब लोग लेकर के जाएंगे ना? हाँ तो खाइए, कौन कौन लेकर के जाएंगे? और गले में तुलसी कंठी कौन कौन पहनना? गले में तुलसी कंठी, गले में तुलसी कंठी पहनना मतलब समझो हमारा वीजा लग गया ठाकुर जी के धाम में। क्या लग गया? वीजा लग गया, इसलिए सब लोग लेकर के जाना तुलसी पूजा। ठाकुर जी का नाम और गुरु पद आश्रय, सबसे पहले गुरु पद आश्रय करना चाहिए, क्योंकि जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी ना, बाल जो पहला बाल कांड, सबसे पहले लिखा बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, गुरु बिन भगवती करई न कोई, जो बिरंति शंकर सनो, ब्रह्मा शिव को ना हो बिना गुरु के कोई पार नहीं लग सकता। इसे सबसे पहले अपने जीवन में क्या करना चाहिए? गुरु को धारण करना चाहिए। जलतन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान, नानक जी बात तो। इसलिए ये जरूर जीवन में किसको धारण करना चाहिए? गुरु जी को धारण करना चाहिए। गुरु जी को धारण करके उनसे ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए। नाम क्यों बताया? कलयुग में क्या उपाय है? केवल, जोर से बोलो, कलयुग में क्या उपाय है? केवल ठाकुर जी का कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर नहीं पारा। महाप्रभु के भक्त क्या बोलते हैं? कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, नाम है ते है सर्व जगत निसारा, नाम बिना कलि काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नामेव शास्त्र मर्म। सारे शास्त्रों का मर्म क्या है? ठाकुर जी का नाम, जिसको कबीरदास जी बोलते हैं, जिसको कबीरदास जी ने बात बोली, वो कौन सा कीर्तन है? जन्म तेरा बातों ही बीत गयो तूने कब होना, हाँ सूरदास, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कब होना कृष्ण भजो, सूरदास जी। और मीरा भाई का तो आपको पता ही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और नानक जी ने क्या बोला? भयनाशन दुर्मति हरना, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे सफल हो गई सब। अच्छा बताओ, इतने बड़े बड़े संत बोल रहे हैं, आपको बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? मैं अपनी बात तो बोला नहीं, किसकी बात बोल रहा हूँ? सब बड़े बड़े जिन धुरंधर संतों की मैंने नाम लिए, किसी की तो बात मानो। और क्या ले जाओ? ठाकुर जी का नाम ले जाओ। सुबह उठ करके ठाकुर जी की मंगल आरती करना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी को स्नान कराना, ठाकुर जी को भोग देना, ठाकुर जी की थोड़ी आरती पूजा कर करके तुलसी की परिक्रमा करना, तिलक धारण करना, ठाकुर जी का नाम करना, बस इतना ही तो करना है। इतना करने से सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, बस यही बोल करके कि आप लोग अपने जीवन में जरूर धारण करें। देखो अगर अपना बच्चों को मंदिर में भेजोगे ना, आपका बच्चे भी ये सब कथा सीखेंगे, हैं? और जो बच्चा संस्कारी बनेगा, जो बच्चा भगवान की भक्ति करेगा ना, वो 100% वो पिता माता की जरूर सेवा करेगा, जरूर वो पिता माता की सेवा करेगा। क्यों? उसको अंदर में संस्कार पड़ेगा। नहीं, सबसे पहले सवेरे उठ करके क्या करो, जैसे भगवान राम प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माथा, भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे? पिता माता की चरण की पूजा करते थे। अब बताओ कौन कौन आज से सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुएगा, बोलो। देखो तभी तो कथा में आना सार्थक होता है ना। पिता माता हो अच्छी, अगर सास ससुर हो उनकी भी चरण छूनी चाहिए।
उनकी कृपा से ही हम संसार में फैलेंगे फूलेंगे। इसलिए कल फिर मैं पूछूंगा, किसने सवेरे उठ करके सास ससुर की चरण छुए और किसने सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुए, कल मैं पूछूंगा। ठीक है, कम से कम कथा के कथा से इतनी चीज तो लेकर जाओ घर में। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रभु जी बामन देव को तैयार करो, अरे ए जाओ बामन देव को तैयार। 10 मिनट में ना, 10 मिनट। हाँ देखो, ये और एक बच्चा है, ये आपको ध्रुव जी की थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, 10 मिनट तक सुनाएंगे, फिर भगवान बामन देव, फिर कृष्णा आएंगे। और देखो आज तक कृष्णा जन्म लेने वाले, आज कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए हो? पीला। कल कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आओगे? कौन सा? हाँ गुलाबी, क्योंकि कल श्री राधा रानी की कल जन्म राधा रानी लगी, और राधा रानी की चुंदरी का रंग है गुलाब रंग है। देखो हम लोग का जो कलर है ना, कौन सा रंग है? गुलाबी। ये गुलाबी रंग है, क्यों? क्योंकि जो रंग है ये अनुराग प्रेम का रंग है। हाँ, ये प्रेम का रंग। और जो गुलाल, जैसे राधा रानी कृष्ण, कृष्ण राधा रानी के ऊपर में गुलाल फेंकती है, गुलाल नहीं, राधा रानी अपना प्रेम को द्वारा, अनुराग को द्वारा कृष्ण को डुबा देती है, और कृष्ण अपना प्रेम से राधा रानी को डुबा देती है। ये रंग, ये प्रेम का रंग है, इसलिए कल सबके सब प्रेम का रंग पहन कर गाना गुलाल रंग। क्या बामन देव को तैयार कर जाए? ओम ज्ञान इदमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संचिन्तयत् भगवश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाद्यं उत्तुङ्गरक्तबिलसद्रगचक्रवाल ज्योत्स्नाभिरामहतभिर्हृदयान्धकार ध्याये ध्याये राजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासं वसानं नवकमलदलस्वर्णनेत्रं प्रसन्नम्। हरे कृष्णा। भक्त वांछा कल्पत रूप कृपा सिंधु दीन बंधु पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अकारण करुणा करुणालय निखिल हेय प्रत्यनीक अखिल गुणगण निलय भगवान श्री राधा माधव की सरस कृपा से मानव जीवन का उत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को श्री भगवान की और श्री गुरुदेव की कृपा से इन्हीं के चरण शरण में बैठ करके मिला है, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले अपने पूज्य गुरुदेव जो व्यासासन पर शोभा की भी शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसे श्री गुरुदेव के श्री चरणारविंदों में बार बार नमन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी उनके चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव विद्युत जन श्रोत्रिक श्रोत्रीजन समस्त वैष्णविया जिनके कंठ में श्री भगवान की दिव्य सरस कथा प्रवेश श्री महाराज जी के द्वारा कर रही हैं, अतः एव यह पक्का यह निश्चित ही है कि वह जब हृदय में प्रवेश करेगी तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण प्रेम के दिव्य बीज को उदय करके श्री कृष्ण प्रेम प्रवाहित करेगी करेगी। ऐसे समस्त श्रोतृवृंद को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हमारा सौभाग्य कि आज हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आज बड़ा सुंदर दिन, श्री कृष्ण जन्म का आज दिन है, दिवस है, और महाराज जी के दिव्य मुखारविंद से हम लोग श्री कृष्ण कथा का सुंदर लाभ भी उठाएंगे। इसलिए गुरुदेव की बार बार आज्ञा हुई है, भैया भजन कर लो, अभी प्रभु जी ने भी बताया भजन कर लो, नहीं तो लेंगी तेरी दंडन से खबरिया, भजन नाई बन्यो लेंगी दंडन से खबरिया, भजन नाही बन्यो कबहू कियो ना
का भजन नहीं किया तो फिर क्या होगा, इसकी चिंता करो और भजन करो। अस्तु। महाराज जी जिस वंशावली का वर्णन कर रहे हैं उस वंश में आगे चलकर कर महाराज प्रियव्रत हुए हैं और महाराज उत्तानपाद हुए हैं। ये प्रियव्रत कहते किसे हैं? प्रियाणी व्रतांसी यस्य सब प्रियव्रत, जिसको अपना व्रत अपना निश्चय वो करना अतिशय प्रिय लगे उसे प्रियव्रत कहते हैं। इन्हीं के वंश में महाराज उत्तानपाद हुए हैं, जिनकी दो रानियां थी, एक का नाम सुरुचि था एक का नाम सुनीति था। सुरुचि जिसकी रुचि राजा में थी, जो अत्यंत सुंदर थी, और सुनीति जिसकी नीति उत्तम थी, जिसकी नीति उत्तम है उसको सुनीति कहते हैं। सुनीति जी के भी एक पुत्र हुआ जिनका नाम था श्री ध्रुव जी। बोले ध्रुव जी महाराज की। और सुरुचि के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम। देखिए राजा की रुचि थी सुरुचि में, इसलिए वह उसे बड़ा प्रेम करता था और रानी सुनीति को वह प्रेम नहीं करता था। सुंदर शरीर का क्या मतलब है, सुंदर किसे कहते हैं? मानस जी ने पूज्यपाद कहीं पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है सुंदरता के विषय में, सोई सुभग शरीरा जेहि तनु पाए भजिए रघुवीरा। सोई सुंदर कौन है, किसका सुभग शरीर है, जिसने ये शरीर पाकर के श्री भगवान की भक्ति करी है वही सुंदर है। एक बार ध्रुव जी खेलते खेलते अपने पिता की गोद में बैठने का उनका मन किया। ध्रुव जी का मन किया, राजा सिंहासन पर आरूढ़ था, पास में सुरुचि बैठी थी जो ध्रुव जी की सौतेली माँ थी, और खेलते खेलते उत्तम महाराज की गोद में प्रविष्ट था। और खेलते खेलते ध्रुव का मन हुआ कि राजा की अपने पिता की गोद में बैठूं। वो जैसे ही आसन के ऊपर चढ़ा और पिता की एक जंघा पर अपने छोटे से चरण धरे और जैसे ही बैठने को हुआ, सोई सुरुचि ने हाथ पकड़ के जोर का झटका दिया और ध्रुव को कोने में कर दिया। क्योंकि स्वयं ध्रुव जी उनके बेटे हैं, इसलिए कपकपाए वो एक बार, बोहे टेढ़ी हो गई। उसने ध्रुव जी ने सोचा मेरा क्या अपराध है जो मुझे मेरा ऐसा तिरस्कार हुआ है। सुरुचि ने कहा तू अपने पिता की गोद में तभी बैठ सकेगा जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा। ऐसा सुनकर ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास गए। उत्तम माँ का उत्तम बच्चा, जब माता के अंदर दिव्य भगवत ज्ञान होगा तभी उसका बच्चा संतुष्ट हो पाएगा। ध्रुव जी गए रोते रोते, माँ ने कहा क्या बात है, रो क्यों रहा है ध्रुव? ध्रुव जी ने सारी घटना माता को सुनाई है। माता ने कहा कि तूने कुछ गलती करी होगी तभी डांट दिया होगा सुरुचि ने। उन्होंने कहा मैया मेरी कोई गलती नहीं थी, क्या अपने पिता की अंग में बैठना पाप है, क्या मेरा अधिकार नहीं था? सोई मैं बैठा लेकिन मैया ने उठा करके मुझे दूर फेंक दिया है। माता ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, बहुत सुंदर। प्रत्येक माता को सुनीति जैसा ही होना चाहिए कि अपने बच्चों को यदि उपदेश करे तो भगवतोपदेश ही करे। सुनो, सुनीति ने बहुत सुंदर शब्द ध्रुव जी से कहे देख ध्रुव, ये छोटी सी गोद में बैठने का क्या मतलब है? ये संसार ये ठुकरा देगा, ये संसार हमारा अपना नहीं है, ये संसार के साधारण गोद में बैठ करके तुझे क्या मिल जाएगा? केवल कुछ क्षण के लिए प्रसन्नता, बस उसके बाद खत्म। तो ध्रुव जी ने कहा तो मैया कहां बैठना है? मैया ने कहा जिन चरणों का
ध्यान ब्रह्मा और शंकर करते हैं, जिन चरणों की उपासना करने के लिए भगवती लक्ष्मी बार 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 जिन चरणों की ओर निहारती है कि कब प्रभु अपने पैर को फैलाएंगे, कब उनके दिव्य चरण को चरण के चापन करने का सत्सौभाग्य प्राप्त होगा, कब उनके दिव्य रोमावली से उत्पन्न आनंद का मैं अनुभव करूंगी, उस चरण को जिन चरणों को धारण करने के लिए बड़े मस्तक पर धारण करने के लिए बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र अपनी समस्त तपस्याओं के फल को एकत्रित कर देते हैं, ऐसे चरण युक्त श्री भगवान की गोदी में बैठने का यदि सौभाग्य प्राप्त मिले तो ये गोदी और क्या चीज है। उस गोदी में बैठ, ध्रुव जी के मन में हुआ कि यह बात तो उचित है। पूछा ध्रुव जी ने, ध्रुव जी की मैया ने कहा, देख एक बात कह देती हूं, इसको ध्यान से सुनना। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके मैया के समक्ष खड़े हो गए और मैया ने कहा, अगर अगर जो जग ने तुझे ठुकराया तो अब समझो श्री हरि ने अपना, श्री भगवान है तू उनकी शरण में जा। ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव जी बहुत सकुचा गए, सकुचाते हुए ध्रुव जी ने मैया से बोला, मैया मुझे क्षमा कर दे। मैया ने कहा, क्यों? ध्रुव जी ने कहा, जब मेरी सौतेली माँ ने मुझे फटकारा तो मैं मन में सोचने लगा, हाय मैं कैसी अभागी माता के गर्भ से जन्म लिया हूं कि मुझे आज राजा की गोदी में अपने पिता की गोदी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। पर मुझे नहीं पता था मैया कि तू ऐसा उपदेश करेगी कि कुल कुल बड़े बड़े योगी मुझको ध्यान मुझको याद करेंगे, मेरा स्मरण करेंगे। ध्रुव जी ने कहा, मैया ने कहा कि तू दीन बन, दीनता लेकर के आ। ध्रुव जी ने कहा, मैया दीनता आ जाएगी तो मैया ने कहा, अगर बने तुम दीन हीन तो दीन बंधु भगवान पायो अजर लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान पायो अजर लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। मैया का आशीष लेकर के ध्रुव जी चले, चलते चलते जंगल में पहुंचे, मन में स्मरण किया, मन में सोचे, मैया ने आदेश तो दे दिया कि तपस्या कर, लेकिन कैसे करूं, पद्धति क्या है, कैसे करूं, कहां जाऊं, अब ये कौन बताएगा, ये बताएंगे सद्गुरुदेव, यहां सद्गुरुदेव की आवश्यकता पड़ गई, कैसे भजन क्रिया होवे ये सद्गुरु के अलावा कौन बताए। तो मन में स्मरण किया भगवान का, इरादा नेक है, इरादा शुद्ध है, स्थान शुद्ध है, मन की स्थिति शुद्ध है, तो श्री भगवान ने प्रार्थना स्वीकार करी है। इतने में श्री नारद जी को भेजा है, ध्रुव जी ने नारद जी के दर्शन करे, मिल गए नारद मुनि मधु में, पड़ा ध्रुव मुनि के चरणन में, गुरु जी अब दीजो ध्यान हमें, गुरु जी अब दीजो ज्ञान हमें, तो ऐसो मंत्र दियो कानन में, ऐसो मंत्र दियो कानन में, मिल गए श्री भगवान पायो अजर लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। नारद जी मिल गए, गुरुदेव मिल गए, अब गुरुदेव यदि मिल गए तो भगवान का मिलना तो पक्का है ही है। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना कि अब प्रभु से मिलन होगा। नारद जी मिले उसको, पूछा नारद जी, अरे ध्रुव जंगल में क्या कर रहा है तू?
सारी स्थिति बताई, मुझे तप करना है, मुझे तपस्या करनी है, हे मुनि मुझको प्रदान कीजिए अपनी दिव्य शिक्षा। नारद जी ने कहा, ये तपस्या कोई छोटी मोटी टॉफी मिठाई नहीं है, किल्ली और गर्भदेवी सी मुख में प्रस्तुत कर ली है, भजन बड़ा दुर्लभ है। उसने कहा, नहीं निश्चय कर दिया है मैंने कि अब तो बैठू सकल गोद निर्भय हो, सदा सहित सम्मान पायो अजर लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। ध्रुव नारद जी प्रसन्न हो गए, वाह 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 ध्रुव, कितने उत्तम विचार है तेरे। उन्होंने कान में भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कान में मंत्र दिया, ये जहां कान में मंत्र दिया आज भी वो जगह है जिसका नाम है बिठूर, कानपुर के पास वो जगह है। कानपुर शब्द कैसे बना, जो कानपुर जगह है वो कैसे बनी, ध्रुव जी के कान में नारद जी ने मंत्र दिया, इसके कारण आज उस जगह का नाम कानपुर है। तो मंत्र दिया और कहा, गच्छतात भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि, जा चला जा यमुना जी के कुल के किनारे जहां आज भी हरि रहते हैं। देखो वृंदावन की मथुरा की महिमा सतयुग की बात है ध्रुव जी की, तब भी थी। ध्रुव जी गए जाकर के तपस्या में लीन होने के लिए, ध्रुव जी ओजस तेज से वो तपस्या के लिए आरूढ़ हुए। तपस्या कैसे करी, सबसे पहले ध्रुव जी ने लगातार 6 महीना तपस्या करी। सबसे पहले ध्रुव जी ने क्या खाया, बेर के फल खाए, बेर के फल से फिर पत्ते पे आए, पत्ते से फिर केवल जल पे, जल 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 छोड़ दिया और अब तो श्वास श्वास में भगवान का स्मरण करने लगे, मात्र श्वास के सहारे ध्रुव जी रहे। ऐसा भजन का बल भरा कि ऊपर के लोग थर्रायमान हो गए, ब्रह्मा जी की बोहे खुल गई, उनके उनके ध्रुव जी के तप का ऐसा तेज प्रस्फुटित हुआ कि ऊपर ब्रह्मा जी का लोक कांपने लग गया, देवताओं के लोग हिलने लग गए, शंकर जी अपनी समाधि खोल लिए और अपने अपनी दिव्य जटाओं को खोल लिया और देखा मन में कि यह कौन तप कर रहा है, शंकर जी के कैलाश की बर्फ पिघलने लग गई कि ऐसा कौन उत्तान, ऐसा उत्तान पाद नंदन ध्रुव ऐसा क्या हो गया कि ऐसी भक्ति कर रहा है, ऐसा तप कर रहा है, भगवान का ऐसा नाम स्मरण कर रहा है जिससे मैं योगी अत्यंत योगियों में श्रेष्ठ मेरे आसन को हिला दिया। देखा सबके सब श्री भगवान की शरण में गए। ध्रुव जी बैठे 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 तप कर रहे थे, जब अंत तो गत्वा ध्रुव जी का तप और बढ़ा तो ध्रुव जी मन में सोचे, क्या मैंने उस योग्य तप नहीं किया, क्या श्री भगवान नहीं आएंगे। वो आंसू ध्रुव जी के नेत्र से आंसू बरसे, वो आंसुओं की बूंद आंख के कोने से होती हुई कपोलों का अतिक्रमण करती हुई होठ से गुजरती हुई थोड़ी पर दो क्षण रुकती हुई जैसे ही पृथ्वी पर गिरी, शंख चक्र कला पद्म लेकर के नारायण प्रकट हो गए। शशंक चक्रम शकेत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुवेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं सर्वशां चतुर्भुजम्। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने देखा भगवान को, भगवान ध्रुव जी को निहार रहे हैं। भगवान ने पहले ध्रुव जी के अंदर जो भगवान का स्वरूप था उसको खींचा, ध्रुव जी के नयन खोले, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, एक दूसरे को भक्त भगवान भगवान भक्त को देख रहे हैं। ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं पर क्या स्तुति करें, भगवान ने क्या किया, भगवान के हाथ में जो शंख था उसको ध्रुव जी के कपोल पर छुपाया, कृतांजलि मैन कंपोनात परस्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने स्पर्श कराया उस शंख को ध्रुव जी के कपोलों पर स्पर्श कराया। जैसे ही स्पर्श कराया तो ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। ध्रुव जी ने स्तुति करी, योन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधानम् अन्यास्त
श्रवणत्वकादी प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु आप मेरे समक्ष खड़े हैं, ऐसा मन कर रहा है उछल करके कूद करके आपकी गोदी में आ जाऊं। भगवान ध्रुव जी को, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। ध्रुव जी भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांग ले। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर वर मांगा। क्या मांगना चाहिए ध्रुव जी ने वो दिखाया कि क्या भगवान से मांगना चाहिए। भगवान से मांगा भक्ति मोह प्रवतां त्वयि प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानां यनविंद सोल्वणं कुरु व्यसनं भवाद्विन नैसे भवत गुण कथा मृतपान मत्ता। अर्थात कि वर दीजे सत्संग बैठ नित करूं कथा मृतपान। हाँ वर दीजे सत्संग बैठ नित करूं कथा मृतपान। पायो अजर लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। पायो अजर लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को। उत्तम से उत्तम लोक ध्रुव लोक जिसकी सप्तऋषि मंडल परिक्रमा कर रहे हैं वो तेरे लिए इंतजार कर रहा है, तू उसमें आना। वहां उसके पिता को घबराहट हुई, ध्रुव जी के पिता को घबराहट हुई। नारद जी ने समस्त कथा ध्रुव जी की सुनाई है उनके पिता को। पिता परेशान हो गया, ध्रुव को भोजन कौन देगा। नारद जी ने कहा भोजन जो चिट्ठी से लेकर के हाथी तक का पेट भरता है। जब दांत न थे तब दूध दियो। जब दांत नहीं थे हम छोटे थे तब दूध की व्यवस्था किसने करी है। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो को अन्न भी गई है। जब दांत दिए हैं तो अन्न भी वही देंगे। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुधि लेत वो तेरी भी लई है। सबकी सुधि भगवान लेते हैं, चाहे भगवान को कोई जानता हो चाहे ना जानता हो। जान को देत अनजान को देत जहान को देत वो तो को भी दई है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, क्योंकि सोच करे कछु काम ना आई है। क्यों सोचे, जब विश्वंभर श्री भगवान है तो फिर पेट भरने की चिंता क्यों। ध्रुव जी वापस आए हैं, उत्तानपाद ने गले से लगाया है, गले से लगाकर ध्रुव जी के कपोल पर चुंबन किया है। कपोल पर हरि अधरामृत लगा था जो उत्तानपाद के मुख में चला गया। उसके जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के दुष्प्रभाव दुस्संग दुष्प्रति जल के भस्म हो गए और उसमें वैराग्य का उद्भव हो गया। ध्रुव के पिता ने कहा ध्रुव जी को तू राज्य कर, मैं परमार्थ संभालता हूँ। ध्रुव जी ने बहुत शासन किया बहुत वर्षों तक। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी अपने महल से बाहर आ रहे थे, देखा तो सामने एक 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 महिला बालों को खुले करते हुए सफेद कपड़े पहन करके खड़ी है बड़ी भयानक दशा में। ध्रुव जी ने कहा तुम कौन हो। उस महिला ने कहा मैं स्वयं मौत हूं। ध्रुव वर्षों से तुम्हारे यहाँ आने की चेष्टा कर रही हूँ लेकिन जिस भी दरवाजे से पहुंचने की चेष्टा करती हूँ मुझे घूमता हुआ सुदर्शन नजर आ जाता है। मुझ पर कृपा करो, मेरे द्वारा इस लोक से परलोक के का गमन संभव हो सकता है। ध्रुव जी ने कृपा कर ली। तो पता है ध्रुव जी कैसे गए भगवान के धाम। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहा भुतं गृहं। मौत के पैर पर, मौत के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी भगवान के धाम गए हैं। देखिए मौत तो वही है, मौत तो वही है जैसे एक बिल्ली है। वही बिल्ली उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है और उसे फाड़ देती है, और वही बिल्ली जब अपने बच्चों को उसी मुख से पकड़ती है तो अपने बच्चों को पकड़ के वो बिल में रख लेती है। ऐसे ही मौत तो वही है जब वो व्यभिचारी दुराचारी के पास भजन ना करने वाले के पास जा पहुंचती है तो उसकी इतनी भयानक दशा कर देती है कि उस भयानक दशा को सहना अत्यंत दुरूह हो जाता है। लेकिन जब वो मौत श्री गौड़िया
संप्रदाय में आविष्ट या वैष्णव संप्रदाय में आविष्ट हुए सत्संग प्रेमियों के समक्ष पहुंचती है तो उनके स्पर्श से मौत भी अपने आप को धन्यात धन्य कर लेती है। मृत्यु मूर्धनि पदम तत्वा आरोहात भूतम गृहम, वो मौत जिस पर ध्रुव जी पैर रख करके अपने धाम को गए हैं ये दिव्य ध्रुव चरित्र है। इसको अभी प्रयागराज में जब कुंभ का मेला हुआ था अभी पीछे, तब भगवत कृपा से श्री सुदामा कुटी नगर खालसा के अंदर मैंने 8 दिन तक श्री महाराज जी की कृपा से कहा था कुंभ में प्रयागराज में, और आज पुनः इसका आवर्तन बहुत सूक्ष्म रूप में क्योंकि समय का अभाव है आज कर रहा हूँ। भगवान की दिव्य कृपा आप सब पर प्रविष्ट हो, सद्गुरुदेव बार बार आकर के आपके दिव्य मनोरथ को सफल करें, आपको भक्ति प्रदान हो, भगवान आपका मंगल करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कल्पतरु महाराज की जोर से कर दो ध्रुव महाराज की जय। देखो जिस समय श्री ध्रुव महाराज बैकुंठ जाने के लिए तैयारी है, इतने में ध्रुव जी को अपना मैया की याद आ गई। वो कह रहे मेरे मैया कहाँ गई, तब विष्णु दूत ने कहा भैया मैया को क्यों ढूंढ रहे हो, बोले आज जो हमें भगवत दर्शन व भगवत प्राप्ति हुई ये माँ के आशीर्वाद से, अगर माँ मेरे को उपदेश नहीं देती भगवान की भक्ति करने के लिए मैं थोड़ी भक्ति करता, इसलिए जब तक मैं अपना माँ को नहीं लेकर के जाऊंगा तब तक जाऊंगा नहीं। उसी समय विष्णु दूत ने कहा देखो ऐसे जो अच्छी मैया जो बच्चे को भक्ति के उपदेश दे, वो जो रथ है ना ये रथ में तेरी मैया जा रही है और उसको तू पीछे पीछे जा रहे हो, तू आगे नहीं जा रहे हो, मैया को पीछे पीछे जा रहे हो। इसलिए सुमित्रा आप नाम सुने होंगे, जिस समय राम और सीता वनवास से जा रहे हैं लक्ष्मण माता सुमित्रा को पास में आई, बोली मैया मेरे को आदेश दे दे भाभी भैया की सेवा के लिए जाऊं। देखो सुमित्रा क्या कहती है, बोले पुत्र गति जुवती जगत सोई रघुपति भक्ति जासुसुतोई। ये चीज को माताएं ध्यान देकर सुनो, हिंदी समझती हो, कौन कौन हिंदी समझते हो, देखो ये क्या कहती है, बोले उसी माँ को पुत्र जन्म देना सार्थकता है, अगर वो पुत्र अगर भगवान की भक्ति करे, नहीं तो दूसरी लाइन में कहती है अगर तुमने बच्चों को भगवान की भक्ति में नहीं लगाई। सुमित्रा कहते माँ को बद्ध्या रहनी चाहिए, माँ को बांझ रहनी चाहिए, वो कहती है खबरदार बच्चे को जन्म मत दिया करो, तभी बच्चों को जन्म दो अगर बच्चों को भगवान के भजन में लगाओगे, क्यों भक्ति करेगा तो तुम्हारी उद्धार होगी, अगर भक्ति नहीं करेगा शराब पीने लग गया, सिगरेट फूकने लग गया, जुआ खेलने लग गया, मांस मछली खाने लग गया, उसको पाप भी तेरे को लेना पड़ेगा। इसलिए कहती है तभी बच्चे जो दो जब ही बच्चों को भजन में लगाओगे, इसलिए क्या करोगे, पहला गुरु कौन है, पिता माता, अगर पिता स्वयं भजन करे माता स्वयं भजन करे तभी तो बच्चों को बोलेगी तुम ये की माला कर भजन कर, खुद अगर भक्ति भक्ति से तुम्हारी कोई मतलब नहीं बच्चे को तुम भजन में लगा ही नहीं सकती, इसलिए पहले खुद हरिनाम करो, तिलक लगाओ, गला में कंठी पहनो, भगवान के भजन करो, गंदी चीज से दूर रहो, फिर अपना बच्चों को भी तुम भगवान की भक्ति में लगा पाओगे। ठीक है, बोले श्री ध्रुव महाराज की जय। अभी भगवान बामन देव को तैयारी है, बामन देव को लेकर के आ जाओ, कोई है वहां पर, कौन है वहां पर, बामन देव को लेकर के आओ। देखो अभी कृष्ण जन्म लेके बामन देव आ रहे हैं, बोले जब देवा अब देवता दैत्य में युद्ध होती थी, जब देवता मरे तो मरी जाए, जब दैत्य मरे इनकी गुरु शुक्राचार्य उनको संजीवनी मंत्र से जन्म पुनर उनको जन्म दे दे। एक दिन देवता लोग भगवान के पास में गए, बोले ठाकुर जी हम अमर कैसे बनेंगे, बोले समुद्र मंथन करो, अमृत पी करके अमर बनोगे। जब समुद्र मंथन हुई सबसे पहले निकला हलामल बीज, श्री शंकर जी को प्रार्थना की तो शंकर टन के टन उन्होंने ये पान कर लिया बीज को और अपना कंठ में धारण कर लिया, इसलिए शंकर जी का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की। फिर समुद्र मंथन हुई दीप दीप रत्न निकली,
फिर वहां से निकली स्वयं मां लक्ष्मी निकली। अब बताओ लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, सब लक्ष्मी लेने के लिए तैयार है। बोले भैया ऐसे नहीं होगा, सबके सब लाइन में आकर खड़े हो जाओ, मैं अपना मन मर्जी पति चुनूंगी। लेकिन इस सारे देवता को पास में तो गई, लेकिन इस सभी का अंदर में कुछ ना कुछ कमी नहीं। लेकिन जब उन्होंने नारायण को पास में गए, देखा अगर कोई सर्प गुण संपन्न केवल श्री ठाकुर जी, फिर उन्होंने नारायण को गला में उन्होंने वरमाला डाल दी। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय। फिर समुद्र मंथन हुई, निकली अमृत। अभी देवता दैत्य में तो लड़ाई शुरू हो गया, अहम पूर्वम पहले हमें मिलनी चाहिए। अभी दैत्य लोग ने जब छीन लिया, भगवान ने सोचा अगर दैत्य लोग पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। फिर भगवान ने मोहिनी अवतार लेते हैं और बोले देखो पहले तो देवता को पिला देती हूँ ऊपर ऊपर पानी पानी, और तुम्हारी साथ में बैठ करके ना गाड़ी गाड़ी पीऊंगी। बोले मोहिनी अगर भले ही अमृत नहीं मिले, अगर तू मिल गया ना हमें सब कुछ मिल जाएगा। और देवता को तो अमृत पिला रही थी, लेकिन थोड़ी सी तेरी सी चितवन से और मीठी मीठी हंसते हंसते वो दैत्य को तरफ में देख रही थी। दैत्यों का तो अमृत तरफ में ध्यान ही नहीं, उनको ध्यान तो मोहिनी के मुस्कुराहट में और उसके रूप में उनकी नजर है। पिलाते पिलाते जब उन्होंने चंद्र सूर्यों को पिला रही थी, एक सौरभ नाम का दैत्य बीच में बैठ करके अमृत पी लिया। चंद्र सूर्य बोले प्रभु ये दैत्य ने धोखे से अमृत पिया। ठाकुर जी चक्र को बुलाए और उसको गला काट दिए। जब गला काट दिए जहां पर उसकी मांस गिर पड़ा वहीं पर यह प्याज की पौधा हुई, जहां पर उसकी हड्डी गिरा वहीं पर लहसुन की पौधा हुई। इसलिए जो दोनों चीज है कि राक्षस का मांस और हड्डी से बना, इसलिए आप लोग नवरात्रि रखते होंगे ना, इसलिए कोई ये नवरात्रि में नहीं खाते और ठाकुर जी को सेवा में नहीं लगती है। दूसरी पुराण में आई है गैया का मांस से ये प्याज बनी, गैया का हड्डी से ये लहसुन बना। इसलिए जो प्याज लहसुन खाते हैं फिर आप लोग क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, गैया का मांस राक्षस का मांस खाना होता है, हैं? हड्डी कहते राक्षस का हड्डी गैया की हड्डी खाना होता है। पहले कोई भी हिंदू आप अपना घर में देखो, अपना घर में देख लो, एक पीढ़ी से पहले जो लोग खाते होंगे देखना तुम्हारे घर में नहीं आता होगा, कोई नहीं खाते थे। फिर आया कहां से, कहते ये मुगल लोगों ने लाया है, ये मुगल लोगों ने मुसलमान लोगों ने सब चीज को लाए, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन, कोई हिंदू कभी नहीं खाते थे। वो तो ठाकुर को सेवा पूजा करते थे, हमें खिला करके सब मुसलमान हमें बना दिया है। इसलिए हमें इस चीज को वर्जित करके शुद्ध रूप में बना करके ठाकुर जी को भोग लगाओ और ठाकुर जी के प्रसाद को सेवन करो। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा करके खाना खाएगा प्रसाद है सर्व दुखाना, उसका घर का सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगी। और मेरे को जो बिना भोग लगाए खाएगा, भगवान कहते भुंजन्ते तु अघम, वो केवल पाप भोजन करते हैं। ये सुदामा धनी क्यों बना, पहले ये गरीबी क्यों बना, इसलिए सुदामा गरीब बना। कृष्ण सुदामा जब जंगल में जा रहे थे, इनकी गुरु माता सुदामा जी को चाना दिया, बोले कृष्ण को दे करके खाइयो, लेकिन उसने क्या क्या किया, भगवान को बिना दिए भोजन किया तो दरिद्र बना। धनी का बना जब ठाकुर जी को दर्शन करने गया, केवल दो मुट्ठी ठाकुर जी चिड़ा खाए ना, जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं दो मुट्ठी खा लिया तो उसको घर में सारे ऐश्वर्य पहुंच गई, अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी हूँ उसको घर में मैं दासी बन जाऊंगी। और सुदामा आया तो क्या देखा, सोने के महल, पत्नी राज रानी बनकर बैठी हुई। मतलब है अगर भगवान को बिना दिए खाओगे ना दरिद्रता घर में आएगी, लक्ष्मी घर में रहेगी नहीं घर में, क्योंकि पैसा का नाम लक्ष्मी है। वो लक्ष्मी तभी सार्थकता होगी लक्ष्मी नारायण की, जब वो ठाकुर को सेवा में लगे भी फिर ये सुख शांति देती है। लेकिन अगर ठाकुर को सेवा में नहीं लगेगी ना फिर तो दरिद्रता आएगी, भले ही तुम्हारे घर में पैसा भी आ जाए ना वो लक्ष्मी घर में शांति सुख नहीं देगी, भाई भाई में लड़ाई लगा देगी, बहू बहू में कोर्ट मामला, नहीं तो इतना बड़ी बीमारी दे देगी सारी पैसा उधर चल जाएगी। इसलिए क्या करो, हर चीज को ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ, घर से प्याज लहसुन को एकदम निकाल फेंको, घर में प्याज लहसुन को स्थान मत दिया करो,
जैसे खाओगे अन्न और वैसे बनेगा मैं, ठीक है ना। इतना लेकर कम से कम कथा से जाना, घर से प्याज लहसुन हम घर में नहीं घुसाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतने में जब उन्होंने अमृत देवताओं को पिला दी, फिर देवताओं ने दैत्यों को मारना शुरू किया, फिर उन्होंने शुक्राचार्य आकर जीवित कर दिया, फिर दैत्यों का राजा बलि ने एक यज्ञ किया तो यज्ञ से रथ निकली, वो रथ पे बैठ करके फिर स्वर्गों पर चढ़ाई करके सारे देवता को भगा दी। फिर देवता का माता अदिति ने ये पयोव्रत की तो साक्षात श्री बामन देव अवतीर्ण होले। श्री बामन भगवान की जय। श्री बामन भगवान की जय। श्री बलि महाराज की जय। तब बामन देव जब आए, श्री बलि महाराज उनको आसन दे करके चरण की पूजा की, बोले आज मेरे जीवन धन्य हो गया है। इतने में बोले मेरे से वर मांगो, क्या चाहते हो हैं? बोले देखो पहले तुम संकल्प करो, फिर मैं वर मांगूंगा। जब उन्होंने संकल्प करने के लिए गए, शुक्राचार्य को पता चला तो भागते भागते आया, बोले बलि सावधान, जानते हो ये बच्चा कौन है? बोले कौन है? पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना और अमृत से वंचित कर दिया, वही मोहिनी अभी ये मोहन बन करके आया है। खबरदार, ये तीन पग जमीन नहीं तेरा त्रिभुवन ले जाएगा। बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, क्योंकि ठाकुर स्वयं मेरे पास में मांगने के लिए आए, मेरे जैसे कोई सौभाग्यवान हो सकते है? बोले बे गुरु जी मेरे आदेश नहीं सुनोगे? बोले नहीं। बोले तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, तुम दरिद्र बन जाओ। बोले अयम अस्तु, लेकिन मैं ठाकुर को जरूर में ठाकुर जी को मैं जरूर उधर घूम जाए घूम कर खड़े गए ठाकुर जी को मैं जरूर दान दूंगा। बोले बामन भगवान की जय। बामन देव का दर्शन हो रहा है, सबको हो रहा है बामन देव का दर्शन। अभी उन्होंने बस त्रिभुवन ले जाएगा, बोले जरूर मैं ठाकुर को दूंगा। देखो ध्यान देकर सुनो, नियम है गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए, नियम है शास्त्र कहता है, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है गुरु जी को त्याग देनी चाहिए। बोले कब देनी चाहिए? देखो ये पुराण का श्लोक है, बोले अवैष्णव उपदेष्टन मंत्रेण निरयम् ब्रजे पुनस्तः विधिनां समाग्रह ग्राहयात वैष्णवात। ये पद्म पुराण का श्लोक है। अगर गुरु जी गलत रास्ता पर चले गए, भक्ति मार्ग छोड़ दिए, असत मार्ग में चले गए, शास्त्र कहता है वो वैष्णव नहीं। कभी वो गुरु जी को त्याग दे करके क्या करो, जीवन में वैष्णव गुरु सदगुरु को ग्रहण करनी चाहिए। जैसे त्याग नहीं देनी चाहिए, त्याग की बात भी बताए, जब तक हम जीवन में वैष्णव गुरु ग्रहण नहीं करते हैं तब तक कल्याण नहीं होगा। फिर उन्होंने गुरु को त्याग दे करके भगवान को उन्होंने दान दिए। ठाकुर जी एक पग में भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक ले लिया, ब्रह्मा जी चरण धो करके जो चरणामृत कमंडल में रखा वही हो गई गंगा। बोले पतित पावन श्री गंगा देवी की। और दूसरा चरण अतल बीतल तलातल पाताल लोक तक चला गया। बोले बताओ तीसरे पग कहाँ पर रखूं? तो उन्होंने उनको नाग फास बंधन में बांध दिया। जो बांध दिए उनकी जो पत्नी थी ना, देखो पत्नी दो तरह का है, कितने तरह का पत्नी है, कभी एक धन पत्नी और एक धर्म पत्नी। बोले धन पत्नी कौन और धर्म पत्नी कौन है? बोले धर्म पत्नी वो है पति का दुख सुख में हर समय उनको कंधे पर कंधे लगा करके उनको मदद करे। बोले धन पत्नी कौन है? बोले जब तक पति के पास में धन रहेगा ना तब तक रहेगी, और धन जब चला जाए ना भाग जाएगी। इसलिए हमें धन पत्नी नहीं, हमें क्या पत्नी होनी चाहिए? धर्म पत्नी होनी चाहिए। वो धर्म पत्नी थी, पति को बोले आपने भगवान को किया दिया, कुछ दिया ही नहीं, दुनिया तो ठाकुर जी की, ठाकुर जी दुनिया ले लिया, जब तक तो खुद को खुद नहीं दे देते हो थोड़ी देना होता है। बोलो ना अपना सर पर चरण दे। बलि महाराज तो प्रेम में गदगद हो गए, बोले वाह पत्नी ऐसे होनी चाहिए जो पति के सुख दुख में हर समय कंधे में कंधे लगा करके चले। बोले ठाकुर जी ये बताओ, दान बड़ा ना दानी बड़ा? बोले दानी बड़ा। बोले आप तो केवल दानी लिए, अभी स्वयं दानी बाकी है। बोले बताओ चरण कहाँ पर रखे? बोले चरण मेरे सर पर रखो,
जब ठाकुर जी सर पर चरण रखे सारे देवता प्रसन्न हो गए और सारे देवता स्वर्ग लोक से पारिजात पुष्प की बौछार किए। बल श्री बलि महाराज की जय। बल श्री बामन भगवान की जय। भगवान प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी प्रसन्न होकर उनको सुतल लोक में स्थान दिया। बोले दूसरे मन्वंतर में तुम स्वयं इंद्र पद को ग्रहण करोगे। अभी देखो ठाकुर जी आप लोगों के पास में भिक्षा मांगने जाएंगे। ठाकुर तो सारा जीवन हमें दिया है, अभी बारी आया है ठाकुर को कुछ देने का। जैसे सुदामा जी ने दो मुठ्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर त्रिभुवन का राज्य दे दिया, अभी ठाकुर जी आपके पास में आ रहे हैं, आप लोग ठाकुर को थोड़ा सा दान देना, फिर ठाकुर जी आपको बड़ी कृपा आएगी। जाओ बावन देव ले जाओ, तो जाओ ले जाओ, सब लोग कुछ ना कुछ दान दो। प्रभु जी भजने वाले हरे कृष्णा, प्रभु जी तैयारी है। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत कर रे जोगी, भगत कर रे जोगी, भगत भर भर दे सर्वस्य अपना।
कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राज्ञां च भयवंशना चरितं परमाद्भुतम्। श्री सुखदेव गोस्वामी जब कृष्ण का जन्म महोत्सव को वर्णना कर रहे थे, जैसे अगस्त ऋषि ने एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र का पानी पी लिया, उसी तरह उन्होंने एक श्लोक उच्चारण किया तो पूरी कृष्ण कथा को बोल दी। कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए, कृष्ण कैसे गोकुल में गए और गोकुल में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कैसे बड़ी धूमधाम से नंद महोत्सव हुई, कृष्ण कैसे पुतना को मारे, अघासुर बकासुर को मारे, कृष्ण कैसे श्री गिरिराज गोवर्धन को कैसे उठाए, बसे गिरिराज महाराज की, कृष्ण कैसे सतवर गोपियों के साथ में रास रचाए, कृष्ण कैसे मथुरा में कंस को उद्धार किया, कृष्ण कैसे द्वारका गए और उन्होंने 16108 पट रानियों से शादी की, हर रानियों से 10-10 बेटा और एक एक बेटी हुई, और ठाकुर जी कैसे ऋषियों का अभिशाप को ग्रहण करते हुए प्रभास क्षेत्र में अंतिम लीला को प्रकाशित करते हुए अपना गोलोक वृंदावन चले गए। इतना बोल करके श्री सुखदेव गोस्वामी बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, इतना बोल करके उन्होंने तो चुप होकर बैठ गए। परीक्षित महाराज बोले क्या हो गया कथा, बोले पूरी कथा सुना दिया ना, पूरी कथा का मैंने सुना दी। बोले मैं तो कृष्ण कथा ही सुनने के लिए यहाँ पर चार चार दिनों से यहाँ पर टकटक लगाकर बैठा हुआ, क्योंकि जो कृष्ण मेरे ये कुल देवता है, मातृ गर्भ में इन्होंने ही मेरे को रक्षा की थी, लेकिन आप तो अगस्त ऋषि जैसे एक चूल भर में सबके सब कथा सुना दिया आपने, मेरे को आनंद नहीं मिला, मैं तो कृष्ण कथा विस्तृत रूप में सुनना चाहता हूँ। फिर से सुखदेव गोस्वामी तीन दिन तक उन्होंने कृष्ण कथा सुनाई, हम भी 3 दिन तक श्री कृष्ण कथा कृष्ण केवल कृष्ण ही कथा सुनेंगे। बोले देखो दो वंश हुआ है, एक सूरज वंश और एक चंद्र वंश। यद्यपि भगवान की कहते ना कृष्ण की कथा है हरि अनंत हरि कथा अनंत है, लेकिन होने पर भी भगवान के अनंत अवतार होने पर भी, लेकिन भगवान के सबसे जो प्रिय अवतार है, सबसे जो सुंदर ठाकुर की कौन सा अवतार में किए, बोले दो अवतार में, एक भगवान राम और एक भगवान कृष्ण है। भगवान सूर्य वंश में प्रभु राम आए, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, और जोर से बोलो देखो इस बार श्री भगवान राम का जन्मभूमि में भगवान राम की मंदिर बनने वाले है, इसलिए जोर से हमारे देश में ऐसे एक मंत्री आए हैं, हमारे देश में ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर आया है जो बड़े दिनों से जो काम नहीं हो पा रहा था, इस बार उन्होंने ये काम तो कर दिया। इसलिए समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि हमारे देश में ऐसे अच्छे मंत्री और श्री प्राइम मिनिस्टर आए जो हमारी सनातन धर्म को, जो हमारे हिंदू धर्म को जिन्होंने रक्षा किया है। इसे बोले सियावर रामचंद्र की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री लक्ष्मण लाला की, कहते सूर्य चंद्र वंश में कौन आए, बोले श्री कृष्ण कन्हैया आए, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले कृष्ण आए कैसे और कृष्ण की कथा कैसे, बोले जैसे तीन गंगा है, एक गंगा स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी, वो स्वर्ग लोगों का कल्याण करती है, एक गंगा इसी मर्त्य जगत में जिसका नाम भागीरथी जो ये मर्त्य जगत को कल्याण करती है, एक गंगा पाताल में जिसका नाम भोगवती जो पाताल लोगों को कल्याण करती है, उसी तरह जो कृष्ण कथा भी तीन लोगों को कल्याण करती है। बोले किसको किसको, बोले बोलने वाले को
सुनने वाले को और प्रश्न करने वाले को, बोले कृष्ण कथा इतना मीठा कृष्ण कथा, ऐसे मीठा जगत में और कुछ है नहीं। इसलिए वेद जिसको कहते हैं रस वैस रसम जगाया लब्धानंद भवती, कृष्ण कौन है, बोले कृष्ण रसी रस है, कृष्ण रस स्वरूप है, हैं? इसलिए श्री बल्लभाचार्य एक बड़ा सुंदर भजन लिखते हैं जिसका नाम मधुराष्टक है। जैसे रसगुल्ला है ना, जिधर खाओ उधर ही मिठाई मिठाई, उसी तरह कहते आधरंग मधुरम बादनंग मधुरम नायनंग मधुरम चरिकंग मधुरम आधरंग मधुरम बादनंग मधुरम चरिकंग मधुरम असितंग मधुरम हृदयंग मधुरम कामनंग मधुरम बोलना मीठा चलना मीठा हंसना मीठा अधर मीठा सबके संग मिठाई मिठाई कृष्णा। इसलिए कृष्ण कथा इतना मधुर कहते आत्मा रामश्च मुनयो, जो आत्मा में रमण करने वाले सुखदेव गोस्वामी जैसे चतुसन जैसे जब भगवान की कथा सुनते हैं कुर्बन अहित की भक्ति इथम भूत गुण है। भगवान की कथा इतना मीठा वो भी ब्रह्म ध्यान और ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके कृष्ण भक्ति रस में डूब जाते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिस समय श्री कंस ने बड़े अत्याचार किया, इतना अत्याचार करने लग गया, बोले खबरदार मेरे देश में कोई हरि का नाम नहीं ले सकते हैं, मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं, मेरे देश में कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, जो मेरे देश में कीर्तन करेगा सबके सब मैं जेल में बंद कर दूंगा। इसलिए जितने साधु संत को जेल में बंद कर दिए और साधु संत जेल में बैठ करके ठाकुर जी को हृदय से रो रो करके ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय इंद्र को पास में ये सब के सब तीन समुद्र को तट पर गए और पुरुष सूक्त मंत्र से भगवान को पुकारे, भगवान प्रार्थना सुनकर के आकाशवाणी हुई, हे देवताओं चिंता मत करो, तुम सबके सब जदुवंश में जन्म ग्रहण करो, हे देवियां सबके सब वृंदावन में गोपी घर में जन्म ग्रहण करो, मैं जल्दी से जल्दी में आ रहा हूं। जिस समय कंस अपना बहन देवकी को साधी दे करके उनको विदाई दे कर रहा था, बीच रास्ता में आकाशवाणी हुई, बोले रे मुड़ा कंस जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, देवकी का अष्टम गर्भ का संतान करे काल होगा। कंस ने देखा ये देवता वाणी है, ये कभी झूठी नहीं हो सकता है, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब देवकी को मारने के लिए जा रहा था वसुदेव ने देखा ये देववाणी कभी झूठी नहीं होगी, उन्होंने साम दाम दंड भेद नीति से तरह तरह से समझाने के लिए कोशिश की, बोले बहनी को मार करके सारा दुनिया बदनामी करेंगे, किसी तरह से सुन नहीं रहा था, बोले देख तेरे को पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, बोले नहीं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सारे बच्चे तेरे को दे दूंगा, लेकिन तू देवकी को मत मार, ठाकुर की इच्छा है।
पहला बेटा हुआ कीर्तिमान, जब उन्हें कंसों को दे दिया उसका हृदय पिघल गया। अपना बेटे को काल को हाथ में, बल्कि ये बेटे को तू ले ले, अष्टम गर्भ का संतान से मेरा मतलब है। नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गया, बोले क्यों? बोले ठाकुर जी तभी आएंगे जब पाप की घड़ा भर जाए, लेकिन इसके हृदय में तो दया की भाव उमड़ रहा है, ठाकुर जी को आने में देर लगेगी। इतने में श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद जी आ गए, और उन्होंने नारद जी को देख करके बोले गुरु जी आए हैं, बड़े सेवा पूजा की। नारद जी ने कहा कंस ध्यान देकर सुन, मैं अभी अभी स्वर्ग से आ रहा हूँ, मैंने देखा ब्रह्मा जी सारे देवता को लेकर के मीटिंग कर रहे थे और उनका विषय वस्तु तेरे को मारेंगे कैसे? सावधान, ये जितने जदुवंशी सब देवता हैं और जितने गोपियां हैं ना सब देवी लोग, ये प्लान करके आए तेरे को मारने के लिए। उन्होंने एक कमल फूल लाए थे जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। बोले बता दो इसमें पहला नंबर कौन और 8वां नंबर कौन? बोले गुरु जी 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले उल्टा सकी? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले गुरु जी क्या बताना चाहते हो? बोले तेरे समझ में नहीं आया? बोले नहीं। बोले देख देवताओं का वाणी समझना बड़ा कठिन, तू तो इधर से 1 2 कर रहे हो, अगर वो उल्टा से 1 2 करे तो जिसको 1 कर रहे हो जाएगा 8। फिर ये 8 भाई जब जन्म लेकर के बड़े होंगे सबके सब मिल करके तेरे को मारेंगे। बोले गुरु जी बताओ क्या करनी चाहिए, बताओ क्या करनी चाहिए? बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरा बात जानता है। बस उसको भड़काए और नारद जी बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल पहले खत्म करो। और सप्तम गर्भ में कौन आए? बोले दाऊ भैया श्री बलदेव प्रभु। कहते बलदेव प्रभु कौन? बोले धाम स्वरूप है, भगवान को जो धारण करते हैं ये धाम स्वरूप है। कहते अष्टम गर्भ में कौन आए? बोले भगवान कृष्ण आए। बोले इसका तात्पर्य क्या है? बोले इसका तात्पर्य है अगर कोई व्यक्ति अपना हृदय में ठाकुर जी को बैठाना चाहते हो, पहले मैं हर साल बताता हूँ भक्ति के 8 स्टेजेस हैं। पहला श्रद्धा, उसको बाद में साधु संग, उसको बाद में भजन क्रिया। जैसे आपका हृदय में श्रद्धा है तभी यहाँ पर आकर के बैठे। भक्ति का सबसे पहला ये स्टेज है, दूसरा साधु संग फिर कथा सुन रहे हो, तीसरा नंबर में भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब जब हमें पता चलेगा ये मानव शरीर 84 लाख जन्म के बाद में मिला, ठाकुर जी बारंबार ये जन्म नहीं देते, ये जीवन पाने का सार्थकता तभी जब ये जीवन पा करके एक बार हाथ उठा करके बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार हाथ उठा करके बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 भगवान की भक्ति करेंगे, हमारे हृदय में जितने काम क्रोध लोभ मोह जितना अनर्थ नष्ट हो जाएगा। उसको बाद में फिर आएगी निष्ठा। बोले निष्ठा मतलब क्या है? जैसे अगर थोड़ी बहुत भजन कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कोई विपत्ति आ जाए ना, देखना भोजन तो नहीं छोड़ेंगे, घूमना भी नहीं छोड़ेंगे, खाना सुना कुछ नहीं छोड़ेंगे, पहले ये माला छोड़ देंगे, ये माला छोड़ देंगे। भगवान की हमने भक्ति की, ठाकुर हमारे साथ में ऐसे किया। और कोई चीज मतलब माला छोड़ने के लिए पहले तैयार बैठे, ये माला कैसे हमसे छूटे हैं? लेकिन कहते जो निष्ठा है, जैसे मीरा ने जो भजन की, उसका सारे देवर जेठ ननन और उसका पूरा परिवार पूरा राज्य लोग उसका विरोध हो गए। किसकी? मीरा की विरोध हो गई। लेकिन मीरा ने भजन छोड़ी है, बताओ
अभी बता दुनिया में किसका नाम हो रही है, मीरा का होना है। जब राम जिस समय विभीषण ने भजन किया, देखो ध्यान देखो सुना, जब विभीषण ने भजन किया रावण ने विरोध किया ना, रावण ने विरोध किया है ना। अभी देखना रावण का पुतला अभी भी जलता है, जलता है कि नहीं। इस त्रेता युग में ये चीज को अच्छे तरह समझो, अगर कोई भजन करे अगर उसने कोई विरोध करे, जैसे कंस उन्होंने विरोध किया, अभी भी कंस का पुतला जलता है, अभी भी रावण का पुतला जलता है अभी। इसका मतलब है क्या, अगर भक्ति में कोई विरोध करोगे ना, जब तक दुनिया रहेगी तब तक तुम जलते रहोगे, तब तक जलते रहोगे। यार जो भगवान की भक्ति करते हैं, जब तक दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारी पूजा होते रहेगी। इसलिए अभी भी विभीषण की पूजा हो रही है, अभी भी विभीषण की पूजा होती है। इसलिए यहाँ पर निष्ठा, उसके बाद में रुचि। रुचि मतलब क्या है, रुचि मतलब होता है भक्ति में इतना आनंद आएगा। अभी तो एक माला खत्म नहीं हुआ, माला खत्म नहीं हो रहा है, रोटी तो ठंडा होते जा रही है, लेकिन उसी समय ऐसे लगेगा कब ज्यादा से ज्यादा भजन करें, कब से ज्यादा ठाकुर का नाम लिए। देखो ध्यान देखकर सुनो, जब गुरु जी हमें ये माला दिए है ना, जब गुरु जी हमें माला दिए, ये माला नहीं, ये स्वयं कृष्ण हमें दिए है। इसलिए गुरु जी कहते थे ये माला को भी भूखा नहीं जानी चाहिए। मतलब गुरु जी से जब हमने माला लिए है, अगर एक दिन ही अगर माला हमने नहीं जप किया, मतलब क्या है, उसी दिन ठाकुर जी भूखे रह गए, उनको खाना नहीं खिलाया, ठाकुर जी सोए नहीं, ठाकुर जी वस्त्र नहीं बदलाए, ठाकुर जी स्नान नहीं किया। इसलिए गुरु जी कहते थे जब गुरु जी से माला लिए हो, भले ही एक दिन भोजन बंद कर दो, लेकिन एक दिन भजन बंद नहीं होनी चाहिए। और गुरु जी से जब हमने गले में कंठी लिया, मैं देखता हूँ कुछ लोग तो गुरु जी से कंठी लिए भी है, लेकिन कुछ देर बाद में देखता कंठी ऊपर गया, बोले भैया तुम्हारी कंठी कहाँ है, बोले टूट गई, बोले स्वर्ण की चैन नहीं टूटी है, स्वर्ण की तो चैन टूटी नहीं पर कंठी टूट गई। देखो अगर कंठी टूट गई तो नियम है उसको फिर दो बार फोड़ो, उसको फो करके फिर गले में उसको ही डाल लो। गले में कंठी जितना पुराना उतना अच्छा होता है, जितना पुराना उतना अच्छा। माला भी बारंबार नहीं बदलानी चाहिए, जिस माला में हम भजन करते हैं वो सारे शक्ति माला में रहती है, इसलिए माला बारंबार नहीं बदलानी चाहिए माला को। और कंठी को गुरुदेव कहते थे अगर गले से तुम्हारी कंठी उतर गई, जब तक दो बार नहीं पहन लेते हो पानी तक भी पीना मना है, क्योंकि हम जो कुछ पीते हैं वो जो गल कंठी में स्पर्श करते भी अंदर में जाती है वो पवित्र होती है। अगर गले में कंठी नहीं, अगर शरीर तुम्हारी छूट गई, सीधा नरक जाओगे, तुमको कोई रोक नहीं सकते नरक से, बैतरणी नदी तुम्हें पार करना पड़ेगा। अगर गले में कंठी हो, स्वयं जब कहते हैं दूतों को जिनकी गले में कंठी देखोगे समझ जाना ये पालतू है। किसकी पालतू है, ये ठाकुर जी की पालतू है। और कंठी नहीं तो कौन है, वो फालतू है। इसलिए गले से कंठी उतर जाए तो गुरु जी कहते थे शरीर अगर छूट गया तो फिर तो सीधा नरक जाना पड़ेगा। इसलिए गले से कभी भी कंठी नहीं उतारनी चाहिए। इसलिए वैष्णव धर्म में कहते हैं कंठी हर समय गले में, इसलिए उसका नाम कंठी। कंठी मतलब क्या, जो हर समय तुम्हारी कंठ में रहे, बोली भी पवित्र बन करके निकलेगी, जो कुछ खाओगे अंदर में जाएगा वही पवित्र बन करके जाएगा। इसलिए कंठी गले से कभी नहीं उतरनी चाहिए। उसके बाद में भावावस्था है, भावावस्था श्री बलदेव प्रभु का कृपा से ही आती है। और अष्टम जो स्टेज है ये प्रेम है, और साक्षात भगवान कृष्ण जिसमें प्रकट हो जाते हैं। अभी कृष्ण जन्म लेने वाले संपूर्ण वृंदावन धाम सज गए दुल्हनी जैसे हैं, अतः सर्व गुणपेत काल परम शोभन। भगवान आ रहे हैं, देखना साधारण कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए ना, उसके लिए कितना हाँ? उसके लिए कितना श्रृंगार कितना इसके लिए तैयारी करते हैं। अभी स्वयं पालनहार भगवान आ रहे हैं, वृंदावन धाम जय जयकार कर रहे हैं, जमुना नदी कलकल नाद से बह रही है और कृष्ण की जय जयकार करते हुए आ रही है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कहती है वृंदावन क्यों प्रसन्न हो रही है, बोले हर अवतार में ठाकुर जी मेरे ऊपर कृपा किए, सत्य युग में ठाकुर जी मेरे को 12 अवतार में मेरे को अपना पत्नी बनाया,
तृतीय युग में सीता माता की पृथ्वी से प्रकट हुई और द्वापर युग में कृष्ण स्वयं पृथ्वी सत्यभामा बन करके आएगी और नंगे पैर में सर्वत्र भ्रमण करेगी। इसलिए पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो रही थी। कृष्ण अष्टमी रात को आए, अष्टमी का चंद्रमा आधा होता है, लेकिन चूंकि आज कृष्ण चंद्रवंश में आ रहे हैं पूरा चंद्रमा पूर्णिमा चंद्र प्रकट हो गई है। सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे, ठीक आधा रात में भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट होते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी जब शंख चक्र रूप में प्रकट हुए, देवकी बोली प्रभु आपको तो मैं पुत्र रूप में प्रार्थना की थी, आप तो 16 साल के घोड़ा लिखे चमकीले वस्त्र और अस्त्र शस्त्र लेकर क्यों आए हो, किस लिए आए? बोले देखो इसलिए आया हूँ, पहले से मैं रेडी होकर के आया, अगर मामा कल से कुछ किया ना इस बार मैं छोड़ने वाला नहीं, इसलिए पहले से मैं शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मैं आया हूँ। पूर्व जन्म में तुम दोनों प्रश्नी और सुतवा थे, लेकिन विषय भोग छोड़ करके 10,000 साल पेड़ से जो पत्ते गिरते थे उसको खा खा करके भजन किया। मैंने कहा वर मांगो, तुम दोनों ने कहा था आप जैसे एक बेटा जैसे चाहिए, मैंने कहा मेरे जैसे तो कोई होते नहीं, मेरे जैसे मैं ही होता हूँ, मैं तुम्हारी बेटा बन करके आया, इसलिए अभी मैं छोटा बालक बन जाऊंगा और हमें लेकर के गोकुल में छोड़ देना, वहां से एक बेटी को ले आना। बोले हथकड़ी बड़ी पड़ी हुई, दरवाजा में ताला लगा हुआ, पहरादार जगे हुए हैं। बोले कोई चिंता मत करो, मेरे को अपना सर के ऊपर रख लो, अपनी आप हथकड़ी बड़ी टूट जाएगी, पहरादार सो जाएगी। जब ठाकुर जी को लेकर के जा रहे थे, रिमझिमी बारिश ही हो रही थी, स्वयं बलदेव प्रभु हाँ छत्री रूप में ठाकुर जी को रक्षा कर रहे थे, अब यमुना नदी आया तो लबालब पानी भरा हुआ। जब प्रवेश करके जब पार कर रहे थे, इतने में यमुना नदी भी सोच रही थी कम से कम ठाकुर का चरण स्पर्श तो मिल जाए, इतने उफनने लग गई और वसुदेव महाराज डर गए और कृष्ण को ऊपर करके बोले भैया कोई हो तो मेरे लाला को ले लो, अभी भी वो गाँव का नाम है कोले, वो गांव का नाम है कोले। और कृष्ण पीछे से चरण बढ़ाए और यमुना देवी ठाकुर का स्पर्श करते हुए नीचे उतर करके आ गई और स्वयं जोग माया एक सियार बन करके जा रहे थे। बोले इतनी से पानी, फिर उनको पार करके गोकुल में रखा है। फिर क्या हुआ फिर हम इसको कल सुनेंगे, अभी ठाकुर जी आ रहे हैं, हो सकता है थोड़ा थोड़ा फूल लेकर के ना यहाँ से थोड़ा सबका हाथ में थोड़ा फूल दे दो, कोई यहाँ पर है यहाँ से फूल लेकर के सबका हाथ में एक फूल दे दो, आप लेकर के आ जाओ, कृष्ण को लेकर के आ जाओ, अभी सारे देवता लोग यहाँ फूल सुखा देंगे सारे था? था? हरे कृष्णा। जिन लोगों ने प्रसाद में और भागवत सप्तम में सेवा दी है, मैं उनके कुछ नाम बोल रहा हूँ, कृपया वो जल्दी आकर गुरु जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। पप्पू वर्मा जी ने 11,000 रुपए की सेवा दी है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। के पी तोमर इंडिका होटल वाले, ये हर साल पूरी बहुत ज्यादा से ज्यादा सेवा करते हैं और अब इन्होंने और बढ़ा के सेवा करी है। इन्होंने कहा है कि मेरा सामान मत बोलना, एक बार गुरु जी के पास आए उनसे आशीर्वाद लें, इनके लिए जोरदार ताली बजा। जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको उत्साह प्रदान करना चाहिए। हरे कृष्णा। शिव शंकर 11,000 की सेवा दी है, वो आ जाए यहाँ पे। हरे कृष्णा। और मैनेजर साहब, स्टेट बैंक के मैनेजर साहब हैं, यहाँ पर बैठे हों तो इन्होंने भी 5,000 रुपए की सेवा दी है, वो आ जाए एक बार यहाँ पर। हाँ, ये पप्पू वर्मा के गलती से 11,000 बोले हैं, इन्होंने 5,000 रुपए दिए हैं भंडारे में दिए हैं। मैं आशा करता हूँ जो मैंने बोला है ठाकुर जी ने बुलवाया है मुझे, ये और देने की इच्छा रखते हैं, एक बार और दस बारे बजाएंगे। और आज जो भगवान का जन्म हो रहा है उनके बाबा दादी पिताजी माताजी उन्होंने आज ठाकुर जी की सेवा में 11,000 रुपए की सेवा दी है, एक बार उनके लिए जोरदार ताले बजाए। और कल जो राधा रानी बनेगी, उनके पिताजी उनके माताजी उनके पापा उनकी मम्मी वो कह तो रहे थे, बहुत ज्यादा कह रहे थे, मैंने कहा ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं चाहिए हमें, वो तो 52,000 बोल रहे थे, पर मैंने कहा नहीं 52,000 नहीं चाहिए हमें, थोड़ा कम दे दो।
तो वो उन्होंने कहा चलो मैं 11,000 ही दे दूंगा, कोई बात नहीं। जल्दी आ जाए गुरु जी के पास, मेरे जी खड़े होके आइए। वन बेटा हरि बोल बोले सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, बधाई का आनंद लेना, मैं सबके सब गीत करना, सबके सब बधाई प्रभु जी बधाई। गजेंद्र जी आज माइक ले लो, बच्चों को ब्रेक नहीं देनी चाहिए, आप उस तरफ जय 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 राधे। ओ रंग झुके अगिना में बज रही आज बधाई, बस झुके I'm gonna make it.
लेकिन खुशी का कोई लकड़े नहीं दिख रहा है। बच्चे का शादी होना पता नहीं शराब पी पी करके उल्टा पुल्टा गाना गा कर नाचते हैं। ठाकुर पेड़ जैसे खड़े हो सबके सब नृत्य कर सकते सब न जाने किस ऋषि मुनि ने राजा राज बेटा Thank you.
Oh,
सखी चरानंद की द्वार आवा लाला के दर्शन करिया सखी चरानंद के Thank you.
Yeah.